LSI हिंदी प्रदेश द्वारा आयोजित संधान व्याख्यान माला के इस सीरीज में आप सभी लोगों का साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। संधान व्याख्यान माला का ये छठा वक्तव्य है जो आज हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर आशुतोष कुमार अपना वक्तव्य रखेंगे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और हम हमारे दौर की सबसे महत्वपूर्ण हिंदी आलोचना की पत्रिका आलोचना के संपादक भी हैं। वो आज भारतीय फासीवाद और उसके प्रतिरोध की संभावनाओं का जो संभावना इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और उस पर कुछ बिंदु जिस पर वो बात करना चाहते हैं वो उन्होंने शेयर भी किए थे, जो हमने सभी साथियों तक शेयर किए हैं। बातचीत शुरू हो इससे पहले चंद बातें कि ये संधान व्याख्यान माला आखिर क्यों। वैसे तो आज जिस तरह के दौर में हम सभी लोग हैं और जिस तरह की चुनौतियों से दरपेश हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात दिखाई देती है कि लगातार जो प्रगतिशील ताकतें थी, जिनको हम ये चाहते थे कि प्रगतिशील विचार और प्रगतिशील ताकतें आज के दौर की राजनीति और विचार की मुख्य ताकतें बनती समाज में, लेकिन हम दिखाई ये दे इसके विपरीत हकीकत दिखाई देती है कि वैसी ताकतें जो प्रतिगामी मूल्यों की वाहक हैं, जो फासीवादी विचारों की वाहक हैं, वो आज सत्ता के शीर्ष पर हैं और जिनको बहुत लोकप्रिय जनमत भी हासिल है। तो एक तरह की कि आज की दुनिया हम जैसी दुनिया चाहते थे उसकी हकीकत उसके विपरीत दिखाई देती है। और फिर सवाल ये होता है कि क्या कहीं ऐसा नहीं है कि जो प्रगतिशील ताकतों का जो तसव्वुर था, जो दुनिया और भविष्य के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था, अगर वैसा नहीं हुआ या वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है, या प्रगतिशील ताकतें और आंदोलन अगर लगातार अभी भी फांसी की तरफ धकेला जा रहा है, उस तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है, तो क्या ये समय ऐसा नहीं है कि फिर हम अपनी तमाम जो सोच विचार की अवधारणाएं हैं, जो हमारे मूल्यांकन के तरीके हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए, उन पर व्यापक और खुली चर्चा की जाए। इसी सोच के साथ हम लोगों ने ये संधान व्याख्यान माला की शुरुआत की कि ताकि हिंदी में जो भिन्न भिन्न विषय हैं उनके बारे में बौद्धिक विमर्श हो सके, उनके बारे में बौद्धिक चर्चाएं हो, ताकि ये जो एक ठहराव और जड़ता की स्थिति विचार के स्तर पर प्रगतिशील आंदोलन में दिखाई देती है उससे कोई रास्ता निकले। और उसके लिए वैसे तो तमाम तरह के प्रयास जारी हैं और उसी कड़ी में ये छोटा सा प्रयास हम लोगों का भी है। हम लोगों का ये गुजारिश रहती है, या हम लोग इस बात में दिलचस्पी हम लोगों की है NSI के तौर पर या संधान व्याख्यान माला के तौर पर भी, कि जो कर्ता शक्तियां हैं उनकी तो भूमिका पर बात हुई, उनकी भूमिका क्या है, वो कैसे यहाँ ताकत में पहुंचे हैं, कैसे उन्होंने इतनी शक्ति हासिल की है, उस पर तो बात की ही जाए, लेकिन हमें लगता है कि उसके साथ साथ दूसरे पक्ष पर भी बात करने की जरूरत है कि आखिर जनता ऐसे विचार की वाहक क्यों बनती है, या उस विचार को व्यापक तौर पर अपना विचार कैसे मान लेती है जो विचार मूल रूप में उसी के खिलाफ पड़ता है, मतलब उसी की उसके हितों के खिलाफ पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत पेचीदा सवाल है जिसके बारे में खुली चर्चा और विमर्श होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा तो हो सकता है कि हमारी बात भी आगे ना पड़े बन पड़े। हम चाहे कितनी भी जनता की बात करें, आवाम की बात करें, फिर भी हम उसके हितों के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद भी उससे अलग थलग पड़े रहते हैं। तो ये कुछ सरोकारों के साथ हम लोगों ने इस व्याख्यान माला की शुरुआत की है और मैं बिना देरी किए हुए प्रोफेसर आशुतोष जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के वक्तव्य पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, ये इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में शामिल होके और आप लोगों के साथ
बातचीत करने का मौका हासिल करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रश्न जो प्रदीप जी ने हमारे सामने उठाया है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इस लिहाज से भी इस तरह की ऑनलाइन श्रृंखलाओं और संवादों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जो नया मीडिया है, सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह, उस पर जब कभी हम जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से राइट विंग या हिंदू राष्ट्रवादी, आप उन्हें कह लें राइट विंग कह लें, हिंदुत्ववादी कह लें, ये इस पूरे समूह का कैसा वर्चस्व है। बहुत सारे उनके बाकी जो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगातार प्रचार सामग्री आती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्याख्यान और सेमिनार्स और संवाद और इंटरव्यूज, इनको प्रसारित करने वाली करने वाले बहुत सारे चैनल सक्रिय हैं। आप किसी विषय पर ढूंढेंगे, किसी भी राजनीतिक सामाजिक विषय पे यूट्यूब पे अगर आप व्याख्यान की खोज करें तो पता चलेगा कि उस विषय पर सबसे लोकप्रिय व्याख्यान दक्षिण पंथ की ओर से ही वहां मौजूद हैं, और उनको सुनने वालों की संख्या हजारों में है, कभी लाखों में। तो उस स्पेस पे हमारी उपस्थिति बहुत कम है, खास तौर पे हिंदी में। इस लिहाज से मुझे लगता है कि संधान की ये श्रृंखला बहुत अहम है, और भी जो इस तरह के प्रयास हैं जो हिंदी में किए जा रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत चैनल्स हैं, कुछ समूह हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी चर्चा करें और उनको ज्यादा से ज्यादा, सबको ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें। आज मैं जो बात रखने जा रहा हूं या जिस पे आप सभी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिल्कुल वही सवाल है जो प्रदीप ने उठाया है कि ऐसे विचारों और ऐसी विचारधारा के प्रति जनता में इतनी व्यापक सहमति, इतना व्यापक समर्थन, बल्कि कहना चाहिए इतना जुनून क्यों और कैसे पाया जाता है। हम जो जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वो, उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, और हम सभी ने, आप सभी ने उसका अनुभव किया होगा कि जिस, जिन लोगों को हम भक्त कहते हैं, और भक्त बहुत ही समीचीन एक शब्द है, उसके अनेक कारण है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है हमारी परंपरा में, हालांकि बहुत से लोग उस पर आपत्ति करते हैं, भक्त शब्द के प्रयोग पर आपत्ति करते हैं दक्षिणपंथी समर्थक समूहों के लिए, क्योंकि वो इस बात पर इसरार करते हैं कि भक्ति की एक बड़ी विद्रोही परंपरा रही है, जनवादी परंपरा रही है, और आजकल जिनको हम भक्त कहते हैं उनके लिए शब्द का इस्तेमाल, उस शब्द का अवमूल्यन। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इससे इत्तेफाक नहीं रखता, और समय मिलेगा तो मैं इस पर भी एक दो बातें कहूंगा, लेकिन भक्तों से बातचीत करना असंभव है, क्योंकि आप उनके सामने कोई भी तर्क रख दें, कोई भी प्रमाण रख दें, कोई भी आंकड़े रख दें, कुछ भी रख दें, आंखों के सामने उनके सच्चाई खड़ी कर दें, लेकिन वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो एक क्षण के बाद हम सब महसूस करते हैं कि यहाँ पे बातचीत का या बहस का, तर्क वितर्क का, संवाद का कोई मतलब नहीं रह गया,
यह परिस्थिति ऐसा नहीं है कि हमेशा से रही होगी हमारे देश में, ये धीरे धीरे बनी है, पिछले कुछ दशकों में बनी है और कुछ वर्षों में मजबूत हुई है। लेकिन मैं इसी चीज को, इसी परिस्थिति को, इस अतार्किक जो एक दृष्टि है देश की और दुनिया की, उसके प्रति जो एक जुनूनी समर्थन है जनता के व्यापक हिस्सों में, उसी को मैं फासीवाद का सबसे डिफाइनिंग फीचर, सबसे अधिक लाक्षणिक विशेषता के रूप में देखता हूं। केवल एक व्यक्ति का महिमा मंडन या व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति, एक तरह का उग्र राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत की भावना, ये सारी चीजें होते हुए भी और एक मजबूत राज्य के अंकुश के होते हुए भी, मुझे लगता है कि हम उसको शायद फासीवाद तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जनता के व्यापक हिस्सों में ऐसे राज्य और ऐसे विचारों के लिए समर्थन मौजूद न हो। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि ऐसा समर्थन नहीं होगा तो केवल दंड शक्ति के भरोसे ही ऐसा राज्य अपने को संचालित कर सकता है। दंड शक्ति के भरोसे चलने वाले राज्य बहुत कमजोर होते हैं और एक समय के बाद उनके खिलाफ बगावत होती है और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन फासीवाद के जो उदाहरण हमारे सामने हैं इतिहास में, उनमें मुझे लगता है कि वो उनमें से कोई भी व्यवस्था किसी गहरे आंतरिक विद्रोह से नष्ट नहीं हुई। स्पेन के गृहयुद्ध को हम जरूर मैं ध्यान में रखता हूं जब मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन वो भी उस गृहयुद्ध को भी हम एक तानाशाही दमनकारी राज्य के खिलाफ आम जनता की बगावत के रूप में नहीं रख सकते। गृहयुद्ध तो जरूर फासीवादी समाजों की विशेषता होती है, क्योंकि हर फासीवाद अपने भीतर के एक अल्पसंख्यक समूह को या किसी समूह को एक अन्य के रूप में परिभाषित करके ही चलता। तो गृहयुद्ध की परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन शासन के खिलाफ आम जनता की बगावत नहीं होती, क्योंकि आम जनता का बहुत बड़ा हिस्सा उसके समर्थन में खड़ा होता है। इसलिए अगर फासीवादी सत्ताएं नष्ट होती हैं तो युद्धों के नतीजे में नष्ट होती हैं, बाहरी युद्धों के परिणाम से उनका विनाश होता है, किसी आंतरिक विद्रोह से वो उस तरह से नष्ट नहीं होती है। इसको मुझे लगता है कि ये जो व्यापक समर्थन है जनता का, उसको हम फासीवाद के एक लाक्षणिक विशेषता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके आधार पे ही मुझे ये कहना सही जान पड़ता है कि भारत में हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसको फासीवाद कहा जाना चाहिए। इस लोकप्रियता की दूसरी विशेषताएं ये हैं कि ये किसी विशेष वर्ग, जाति, समुदाय या प्रदेश तक, और आप इसमें जेंडर को भी शामिल कर लें, किसी श्रेणी तक सीमित नहीं है। यानी सभी इस तरह के सामाजिक श्रेणियों को पार कर जाता है, ये उच्च मध्यम वर्ग में या जिसको उच्च मध्यम वर्ग हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत में उच्च वर्ग
अगर कहा जाए तो वो उसमें केवल कुछ गिने चुने परिवार ही शामिल किए जा सकते हैं। तो बाकी का जो पूरा तबका है उसको आप मध्य वर्ग कहें, उसमें उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बीच एक विभाजन किया जा सकता है। और जो हमारे मजदूर तबके हैं, श्रमिक तबके हैं, तो बहुत गरीबी, बेरोजगारी और बहुत ही भीषण किस्म की प्रीकैरिटी का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, जिनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कल उनके साथ क्या हो जाएगा, जिसके उदाहरण हमने नोटबंदी के दौरान भी देखे। उन सभी वर्गों में और सभी जातियों में, सभी श्रेणियों में अब उत्तर भारत का विभाजन भी नहीं रह गया है। गांव और शहर के जिस विभाजन की बात करते थे वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो इन सभी विभाजनों को पार कर जाती है। इसलिए इसके बारे में जो पुरानी समझदारियां थी वो हमारा बहुत साथ नहीं देती। तो ये भी कहूंगा कि ये जो समर्थन है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि कम से कम इसके निशाने पे जो अल्पसंख्यक समूह हैं उन समूहों में इसका समर्थन नहीं होगा, तो ये भी सच नहीं है। अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर भी इस विचारधारा का समर्थन किसी न किसी मात्रा में, कम ज्यादा, लेकिन वो अनुपस्थित नहीं है, गायब नहीं है, वो मौजूद है। और वो केवल अवसरवाद के तहत मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल राजसत्ता की निकटता का लाभ उठाने के लिए या किसी तात्कालिक स्वार्थ के कारण किसी चुनावी गणित के तहत अल्पसंख्यक समूहों के भीतर इस राजनीति का समर्थन पाया जाता है। ये समर्थन भी काफी स्थायी किस्म का है और जितनी भी मात्रा में है उतनी मात्रा में लगातार बना हुआ है। और वो मुस्लिम समुदाय के भीतर भी आप उसे खोज सकते हैं, दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के भीतर भी। तो इसलिए ये सवाल एक बड़ा सवाल बन जाता है कि ऐसा क्यों होता है। जितनी ज्यादा बदहाली बढ़ती जाती है, मेरी व्यक्तिगत रूप से जो बातचीत होती है श्रमिक वर्गों से, उसमें मैंने ये महसूस किया कि जितनी ज्यादा बदहाली बढ़ती है, कई बार मैंने देखा है कि इस दक्षिणपंथी हिंदूवादी या हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के लिए उत्साह और समर्थन भी उसी मात्रा में बढ़ जाता है। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह सब चीजें फासीवाद जिसको कहा जाता है उसकी विशेषताओं के रूप में समझी जाती रही हैं। लोगों ने पहले भी इसका विश्लेषण किया है, खासतौर पे ग्राम्शी ने इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा ही था कि फासीवाद की व्याख्या केवल वित्तीय पूंजीवाद के संकट के रूप में नहीं की जा सकती है, या केवल एक वर्गीय समीकरण से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, और ये इसका एक राष्ट्रीय आधार मौजूद होता है। इसलिए मैंने जो विचार के बिंदु रखे थे उसमें उन कुछ बातों पे पुनर्विचार करने का मैंने इसरार किया था।
जिनके तहत वर्तमान परिस्थिति की व्याख्या की जाती है। यह सबसे ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय व्याख्या है सांप्रदायिकता की। बहुत लंबे समय से हम लोग इसको सांप्रदायिकता की समस्या के रूप में देखते रहे। ये जरूर कहते रहे हैं कि जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है वो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की तुलना में कुछ ज्यादा खतरनाक होती है, जो एक नेहरूवादी नजरिया है। और इसलिए हम लोग ये समझते रहे हैं कि ज्यादा गंभीरता से और एक्टिवली बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को भी निशाने पर रखना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अनदेखी करने से एक रिएक्शन पैदा होता है, प्रतिक्रिया पैदा होती है, उससे बहुसंख्यक सांप्रदायिकता बढ़ती चली जाती है। तो काफी समय से हम लोग इस समझदारी के साथ इस परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब जो परिस्थिति सामने आ चुकी है उससे यह जाहिर है कि अब यह सांप्रदायिकता का सवाल बिल्कुल भी नहीं रह गया, क्योंकि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता जो बेशक अपने आप में बहुत रिग्रेसिव है, प्रतिक्रियावादी है, निंदनीय है, जहालत है, लेकिन वो कभी भी राष्ट्र के ऊपर अपना दावा नहीं ठोक सकती है, वो राष्ट्रवाद के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकती है। वो हमेशा एक संप्रदाय विशेष की मांगों के रूप में ही अपने को पेश कर सकती है, सही या गलत। पर आज जो जिस राजनीति का हम मुकाबला कर रहे हैं उसका दावा समूची राष्ट्रीयता पर है, राष्ट्रवाद पर है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह की सांप्रदायिकता या जातीयता जब राष्ट्रवाद का रूप ग्रहण करती है, जब वो ये दावा करती है कि राष्ट्र को इस पहचान से परिभाषित किया जाना चाहिए, यह राष्ट्र उनका है प्राथमिक रूप से जो इस बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तब वो फासीवाद का रूप ग्रहण कर लेता है और तो वो केवल सांप्रदायिकता का मसला नहीं रह जाता। तो सांप्रदायिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी प्रेम मोहब्बत आदि की बातें वहां बेकार हो जाती हैं। क्योंकि वहां हो सकता है कि समुदाय विशेष के खिलाफ एक तरह की नफरत फैलाई जा रही हो, उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो एक ईंधन के रूप में काम आ रही हो, लेकिन अगर वे लोग या वे समूह या वे समुदाय राष्ट्रीयता के ऊपर बहुसंख्यक वादी राजनीति के दावे को मंजूर कर ले तो फिर वो कोई खास समस्या नहीं रह जाती है। और इसी आधार पे हम जो पहले बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यक समूहों में भी इस विचार का समर्थन दिखता है, तो उसका आधार भी यही है कि एक वर्ग है जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर सकता है वैचारिक रूप से कि ठीक है, देश सबका है लेकिन
जो बहुसंख्यक तबका है, अगर वो अपनी अपने सांस्कृतिक वर्चस्व का दावा करता, अपने कल्चरल अपर हैंड का दावा करता है, तो ये दावा कोई बहुत नाजायज नहीं है। और इसको स्वीकार करके भी चला जा सकता है, जिया जा सकता है और करना चाहिए। अगर इससे बहुत सारे मसले हल होते हों या कॉन्फ्लिक्ट हल होते हैं, तो इसको लेके बहुत बहुत बड़ा सवाल इसको नहीं बनाना चाहिए। ये एक विचार के रूप में कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो मुझे लगता है मैं जो बात यहाँ पे आप सभी के सामने अपनी ओर से रखना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम फांसीवाद की बात करते हैं, और फांसीवाद की बात हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि और कोई शब्द नहीं है और कोई विशेषण नहीं है जिससे कि हम इन कुछ विशेषताओं की व्याख्या कर सकें। और फांसीवाद इसलिए उपयुक्त है क्योंकि सभी तरह के फांसीवादी व्यवस्थाओं में, सभी फांसीवाद के सभी तरह के अनुभवों में ये कुछ विशेषताएं लगभग समान रूप से मिलती हैं। जैसे कि फांसीवाद एक तरह का फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म, एक तरह का, या इसको मैं यूं कहूंगा कि उदार जनवादी राष्ट्रवाद की विफलता से पैदा हुआ राष्ट्रवाद का एक रूप है। ये वहीं पे हमेशा पाया जाएगा जहां पे हम देखते हैं कि एक तरह का उदार जनवादी राष्ट्र, एक लोक कल्याणकारी राष्ट्रवाद का जो भी रूप रहा हो वो विफल हो रहा हो इस रूप में कि वो सामाजिक राजनीतिक संकट को हल करने में अक्षम साबित हुआ हो। और यह अक्षमता और यह विफलता अनेक तरह के सामाजिक विद्रोहों के ताकतवर होने के रूप में दिखाई दे। जैसे हमने जर्मनी में मजदूरों के ताकतवर आंदोलन के रूप में देखा, या कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूती के रूप में देखा, या इटली में हमने सोशल डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्ट्स दोनों की बढ़ती हुई ताकत के रूप में देखा। तो पहले से मौजूद जो परंपरागत शासक वर्ग होता है, जो एक तरह के उदार जनवादी लोकतंत्र से पाई गई सहमति के आधार पर अपने वर्चस्व को बनाए रखते हुए मैनेज कर रहा होता है, तो उसे लगता है कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं और उस वर्चस्व को जो चुनौतियां मिल रही हैं आर्थिक सामाजिक संकटों के कारण, उनको वो हल नहीं कर पा रहा। तो उस समय हम उसको उन विकसित हो रही प्रवृत्तियों के सामने सरेंडर करते हुए देखता हूं जो संकट को एक तरह के फासिस्ट नेशनलिज्म के विकल्प के साथ, फासीवादी राष्ट्रवाद के विकल्प के साथ हल करने की उम्मीद पैदा करता। वो पुराने शासक वर्ग के भीतर से नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं से ये राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रवादी राजनीति के भीतर हमेशा छुपी हुई एक संभावना है। इस खास विचारधारा या खास व्यक्ति से इसके उत्स को जोड़कर समझने की कोशिश हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाती।
ऐसा नहीं है कि उस समय कोई एक व्यक्ति आया, कोई एक पार्टी आई, कोई एक विचारधारा आई और उसने एक फासिस्ट रेजिम का निर्माण किया, क्योंकि इतिहास के लंबे दौर में, ये 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक, अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में, हर समय हम देखते हैं कि जब भी एक उदार जनवादी राष्ट्र राज्य विफल हो रहा होता है तो फासिस्ट पार्टियां उभरने लगती हैं। और फिर जो पुराना शासक वर्ग है उसके सामने सरेंडर करता है और वो एक रिजीम स्थापित, इसको ग्राम्शी ने पैसिव रिवॉल्यूशन कहा था और इस रूप में उसकी व्याख्या की थी कि एक तरह की प्रतिक्रांति है। जो परंपरागत प्रभुत्वशाली वर्गों के द्वारा संपन्न की जाती है उभरती हुई चुनौतियों को विफल करने के लिए, जिसके लिए कोई खून खराबा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक तरह के उन्मादी राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवादी उन्माद के नाम पर जनता का समर्थन हासिल कर लिया। अब इसकी व्याख्या इस रूप में भी कर सकते हैं कि लोग जिस गरीबी का, जिस जहालत का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से वो विद्रोह की स्थिति में आते हैं, उसकी व्याख्या उनके सामने इस रूप में की जाती है कि भाई आपकी जहालत, आपकी गरीबी, आपकी बर्बादी, उसका मूल कारण एक खास समूह, एक खास समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है जो आपकी रोजी रोटी चुरा रहा। और जो जिसको देश के दुश्मन के रूप में, एक बाहरी के रूप में खड़ा किया जाता है। लेकिन मूल बात यह है कि जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, जो राष्ट्र के लिए होती है, उस राष्ट्र की वफादारी को उनकी अपनी वर्गीय, सामुदायिक, सामूहिक, सांप्रदायिक, जितनी भी तरह की वफादारियां हो सकती हैं, उनको निरस्त करने के लिए, उनका दमन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। और ऐसा करना इसलिए संभव होता है क्योंकि राष्ट्र राज्य एक वास्तविक सत्य है, एक तथ्य, क्योंकि हमारे समाज, हमारे देश राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित है। ये सबसे अधिक संगठित, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक पहचानी जाने लायक इकाई है और इसीलिए जब उसके नाम पे वफादारियों को और भावनात्मक आवेश को जगाया जाता है तो उससे छोटी सभी इकाइयां हारती हुई नजर आती है और उस राष्ट्रीय गौरव के लिए, गरिमा के लिए लोग अपनी सामुदायिक, सांप्रदायिक, वर्गीय, जातिगत, दूसरी तरह बहुत सारी पहचानों को कुछ समय के लिए भूल जाएं। ये नहायत आसान एक संभावना के रूप में सामने आ जाता है। भारत में जो हमारा अनुभव है उसको देखते हुए लगता है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदूवादी या हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की जो लोकप्रियता बढ़ी है 90 के दशक में, या उसका
धीरे धीरे जो राजनीतिक वर्चस्व कायम हुआ उसके पीछे अतीत के पुराने समय के, हालांकि आजादी के बाद के ही कहना चाहिए, बहुत तरह के कम्युनिस्ट आंदोलन, 90 के दशक के सामाजिक न्याय के आंदोलन, और उसी समय जेंडर के बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे प्रबल आंदोलनों का उठना, ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसने भारत के परंपरागत प्रभु वर्गों के सामने एक वास्तविक संकट पैदा किया, जो उन्हें लगने लगा कि चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी अगर जेंडर जस्टिस के, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय के और वर्गीय न्याय के आंदोलन आगे बढ़ते रहे। उसके पीछे जाहिर है कि बहुत तरह के आर्थिक सामाजिक संकट थे, बढ़ती हुई विषमता, पूंजीवाद के संकट के रूप में उसे इसलिए देख सकते हैं क्योंकि पूंजीवाद का भारत में जो संकट था वो एक हद तक यूपीए की जो सरकारें थी, खासतौर पर पहले दौर की जो सरकार थी, वो संकट पे काबू पाने में सफल हुई थी। एक राष्ट्रीय संकट जो था उस पर काबू पाने में सफल हुई थी, लेकिन उसने जो नव उदार नीतियां अपनाई थी उसकी वजह से इस देश में जो विषमता थी, जो इनइक्वालिटी थी, उसका बहुत विस्तार हुआ था। अमीरी बढ़ी थी, उसके साथ साथ गरीबी भी बहुत बढ़ी थी, तो गरीबों का और गरीबों और बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बेचैन थी, और उसकी बेचैनी अनेक तरह के न्याय के आंदोलनों में प्रकट हो रही थी। तो राष्ट्र के सामने जो संकट था उसको हल करने के विकल्प के रूप में हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति आई। प्रभु वर्गों ने उसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो इन सारे आंदोलनों से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन जो दबाए गए वर्ग थे, जो पीड़ित थे जिनसे ये आशा की जा सकती थी कि वो उसका प्रतिरोध करेंगे, उनको भी उसमें इस राष्ट्रवाद के स्वप्न के आधार पे, राष्ट्रवाद के उन्माद के आधार पे, उनके कष्टों की एक काल्पनिक व्याख्या करके उनको इस पूरे प्रोजेक्ट में जोड़ लिया गया। तो ये सब चीजें, यानी एक तरह की उदार जनवादी राष्ट्रवाद की विफलता, उसका जगह लेने के लिए एक भावनात्मक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सामने आना, जो अपने ही भीतर के किसी समूह को एक शत्रु के रूप में चिन्हित करता और उसके लिए उस तरह की राजनीति के लिए जनता के व्यापक तबकों में समर्थन, ये सब चीजें लगभग सभी तरह की फासीवादी व्यवस्थाओं में, अनुभवों में देखने को मिलती है। उत्पीड़ित वर्गों का समर्थन इसलिए मिलता है क्योंकि जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी वो उनके संकट को हल नहीं कर पाई थी, उनको ये महसूस नहीं हुआ
कि इसी व्यवस्था के भीतर हमारे सवाल हल हो सकते हैं। तो जब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवादी आते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए हम आपको ठोस, आपकी समस्या का ठोस रूप आपके सामने रख रहे हैं, आपको दुश्मन दिखा रहे हैं कौन है, और हम बिल्कुल ताकतवर तरीके से उस दुश्मन से निपटने जा रहे हैं, और ये राष्ट्रीय निर्माण की परियोजना है, तो वो उन वर्गों का समर्थन हासिल करने में कामयाब होते हैं। ये बात भी फासीवाद के सभी अनुभवों में देखने को मिली, और ये मुसोलिनी से लेकर ट्रंप तक की सफलता में ये चीजें देखी जा सकती हैं, मोदी की सफलता में देखी जा सकती है, ये तुर्की में भी हम देख रहे हैं, रशिया में भी देख रहे हैं और बहुत सारे देशों में देख रहे हैं। दूसरी बात जो जिसकी तरफ मुझे आना चाहिए था पहले ही, वो ये है कि मैं इसको भारतीय फासीवाद कहने का इसरार क्यों करता हूं। क्योंकि ये सब चीजें कॉमन है, तो जाहिर है हम इसको फासीवाद की एक वैश्विक परिघटना के रूप में भी देख सकते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, देखना भी चाहते हैं। प्रभात पटनायक जैसे अर्थशास्त्री, हम अर्थशास्त्री में बहुत समझाया है कि कैसे ये फासिस्ट रेजिम्स जो हैं वो पूंजीवाद के गहन संकट की अभिव्यक्तियां, ये पूंजीवाद एक ऐसे दौर में पहुंच गया जहां बिना तानाशाही, लोकप्रिय तानाशाहियों के की सहायता के प्रॉफिट का विस्तार किया ही नहीं जा सकता। तो कच्चे माल और श्रम के शोषण के जो भी बचे कुचे इलाके थे वो इलाके समाप्त हो चुके हैं, पूंजी सब जगह पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक विस्तार के जरिए जो लाभ वो कमाती है, अब ऐसा कोई, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां वो जाके विस्तार कर सके। तो प्रॉफिट सुनिश्चित करना तभी संभव है जब बाजार को एक तानाशाही तरीके से नियंत्रित किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, और उसके लिए बहुत ज्यादा डंडे का सहारा न लेना पड़े, उसके लिए जनता में समर्थन मौजूद है। लेकिन केवल पूंजीवाद के संकट के रूप में, वैश्विक परिघटना के रूप में इसे समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सभी जगह इस तरह के फासिस्ट रेजिम हो रहे हों एक ही तरह से, ऐसा हम नहीं देखता। कुछ देशों में उभरे हैं, कुछ देशों में उभरने की कोशिश कर रहे हैं पर उभर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे देशों में अभी भी वे हाशिए पे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जहां जहां वो उभरा है वहां ये परिस्थिति जरूर रही है कि परंपरागत प्रभुत्व वर्ग ने राष्ट्रीय संकट को हल करने के पुराने तरीकों को नाकाफी पाया, उसकी वजह से अपने वर्चस्व पे संकट खड़ा होता हुआ देखा है, और उस संकट को उन्होंने फासिस्ट पार्टियों के सामने समर्पण करके, उनको सत्ता में स्थापित करके हल किया है। और सबसे पहले इन रेजिम्स ने जो काम किया है वो यही किया है कि उन सभी विद्रोही आंदोलनों को, विरोधी आंदोलनों को कुचल डाला, उन चुनौतियों को खत्म कर दिया। फिर भी हर देश की अलग परिस्थितियां हैं, अलग विशेषताएं हैं। भारत में मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है अगर हम भारतीय अनुभव को ठीक से समझना चाहते हैं। भारतीय अनुभव की एक विशेषता यह है कि यहाँ
फासिस्ट विचारधारा ने, जिसको हम आरएसएस मुख्य रूप से, जिसकी वाहक हम आरएसएस को मानते हैं, लेकिन जिसके साथ शुरू में हिंदू महासभा, बाद में शिवसेना जैसी बहुत सी पार्टियां जिसमें शरीक होती हैं, कभी अलग हो जाती हैं, पर वो एक हिंदू राष्ट्रवादी नजरिया है जिसको सभी शेयर करती हैं। उसका एक लंबा इतिहास है 1925 से लेकर आज तक। इतना लंबा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता। फासीवादी विचार कमोबेश बने रहते हैं, लेकिन एक केंद्र के साथ, एक संगठन के साथ इतने लंबे समय तक सतत चलने वाला प्रयोग, वो हमें किसी दूसरे देश में नहीं दिखाई देता। और इसलिए हमें भारत में ये आशा नहीं करनी चाहिए, जैसे दूसरे देशों में फासीवाद तेजी से कुछ वर्षों में प्रकट होता है और 15-20 वर्षों में उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वैसा ही भारत में भी हो जाएगा। इस उम्मीद के लिए बहुत जगह नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जिसकी ये विशेषता भी है कि ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की परियोजनाओं पर एक साथ काम करती है। संघ के जो काम करने का तरीका, उसमें जल्दबाजी कभी नहीं देखी गई। राजसत्ता हासिल करनी है और पॉलिटिक्स को हिंदुआइज करना, जो सूत्र था सावरकर का, वो सूत्र कभी नहीं छोड़ा, उस पर लगातार काम करते रहे। लेकिन इस तरह नहीं कि बस कुछ ही वर्षों में हमें राजसत्ता पे कब्जा कर लेना, बल्कि एक लंबी परियोजना थी कि हमें राजनीति के स्वरूप को ही बदल देना। राजनीति को हिंदुआइज करने का मतलब है कि राजनीति को, सिर्फ राजनीति को नहीं, पूरी सांस्कृतिक राजनीति को, संस्कृति को, समाज को, सामाजिक संस्थाओं को, सबको भीतर से धीरे धीरे बदलते हुए उस मकाम तक ले जाना है कि राजसत्ता अपने आप पके हुए फल की तरह गोद में आके गिर जाए। इसका मतलब यह है कि हम बहुत जल्दी, अगर आप किसी तरह से इसे परास्त भी कर दें अगले चुनाव में, मान लीजिए आप किसी नेता को गद्दी से उतार भी दें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो संस्थाओं पे जो नियंत्रण है भीतर से संघ का, वो इतना गहरा हो चुका है कि कोई बहुत लोकप्रिय संघ विरोधी रजीम कायम हो, वर्षों तक काम करे, दशकों तक काम करे, तभी उसे छुटकारा पा सकते। अभी आप देख ही रहे हैं न्यायपालिका के साथ जो कुछ हो रहा है। जर्मनी में और इटली में तो नए तरह के कानून लाने की जरूरत पड़ी थी और ये कहने की जरूरत पड़ी थी कि भाई न्यायपालिका को तो राष्ट्रवाद के भीतर ही काम करना होगा। यहाँ कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, संविधान बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप न्याय के पूरे सिस्टम को भीतर से ही हथियाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं और उसके लिए राजनीतिक वर्चस्व एक अनुकूल वातावरण पैदा कर। जिस तरह के जजमेंट दिए गए बाबरी मस्जिद से लेकर अभी धनशोधन कानून तक, जाहिर है कि वो इस राजनीतिक वातावरण के बिना संभव नहीं थे, लेकिन वे सारे जज जो ये फैसले ले रहे हैं, वे कहां से आए हैं, किस परंपरा से आए हैं, उन न्याय की सारी बुनियादी मान्यताओं और शर्तों का उल्लंघन करने की कला में सिद्धहस्त हो गए नजर आते हैं।
क्योंकि याचिकाकर्ता को ही अपराधी करार दे देना और उसके लिए न्यायिक तर्क जुटा लेना, कानून के भीतर से ही उसके लिए तर्क प्राप्त कर लेना, उसकी व्याख्या प्राप्त कर लेना, ये एक लंबी वैचारिक ट्रेनिंग के बिना नहीं हो सकता। फिर स्मृतियों के साथ, इतिहास के साथ, शिक्षा के साथ, संस्कृति के साथ जो प्रयोग लंबे समय से किए जा रहे, तो ये बिल्कुल संभव है कि अगले दशक वर्षों में हम जिन स्मृतियों की आज बात करते हैं उनकी बात करना संभव ही नहीं रह जाए। गांधी जी के साथ क्या हुआ, नेहरू जी के साथ क्या हुआ, इस पे अभी तो हम बहस करने की स्थिति में हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन संभव है कि 10 वर्षों के बाद हम ये बहस करने की स्थिति में ही नहीं रहे, क्योंकि गांधी की, नेहरू की और आजादी के आंदोलन की एक बिल्कुल ही अलग तरह की समझदारी एक पूरी नई जनरेशन के दिमाग में बिठाई जा सकती है। आसपास के वातावरण, राजनीतिक, सामाजिक प्रचार, सांस्कृतिक प्रचार और टेक्स्ट बुक्स के बदलाव के जरिए, तो ये जनरेशन जिसकी यादों में पुरानी बातें कुछ ताजा हैं, अगले 10 वर्षों में धीरे धीरे किनारे होती जाएगी, नई पीढ़ियां आती जाएंगी, तो पुराना भी इतिहास, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इतिहास की व्याख्यान बदले जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो, हालांकि ये कमोबेश सभी करते हैं, लेकिन एक बहुत दीर्घकालिक परियोजना के रूप में इसको चलाया गया जिस तरह से हमारे देश में, वैसा कोई उदाहरण नहीं दूसरे देशों में। ये सब चीजें ट्रंप नहीं कर सकता इतने बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने हमारे देश में। दूसरी चीज की एक लचीलापन और कट्टरता या कठोरता का अद्भुत विलक्षण संयोग, ये भी बहुत अद्भुत, बहुत रेयर चीज। आप किसी फासिस्ट रजीम में कठोरता कट्टरता तो देखेंगे लेकिन इतना लचीलापन नहीं देखेंगे। ये किसी भी ख्याल को, किसी भी विचार को कभी भी अपना बना सकते हैं और कभी भी उसके खिलाफ खड़े हो जा सकते हैं। ये एजाज अहमद ने अपने एक निबंध में इस बात की और हमारा ध्यान खींचा है कि 19वीं-20वीं सदी के लगभग सारे ही समाज सुधार, धर्म सुधार आंदोलनों की विरासत आरएसएस ने हथिया ली, यानी विवेकानंद से लेकर आर्य समाज तक बहुत तरह के जाति आंदोलन और गांधी पे भी उनका दावा है, गांधी को भी वो अपना लेते हैं, समाजवाद भी ले आते हैं बीच में, गांधीवादी समाजवाद भी उनका नारा बन जाता है और गांधी के खिलाफ गहरी घृणा भी, एक ही साथ वो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो अपनी रणनीति बदलना, बहुत तरह के विचारों दृष्टियों के साथ काम करना, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत चीजों को साथ लेके चलना, कहीं स्वदेशी की बात करना, कहीं मुक्त बाजार की बात करना, कहीं गांधी की बात करना, कहीं गोडसे की बात करना, ये ऐसा अद्भुत लचीलापन आपको किसी फासिस्ट रजीम में देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से व्यक्ति और संगठन का सवाल भी है। एक राष्ट्रीय नायक का उभार फासिस्ट रजीम्स के लिए जरूरी समझा जाता है। व्यक्ति के इर्द गिर्द वो अपने को संगठित करता, हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहां भी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द वो संगठित हो रहा, लेकिन संगठन की भूमिका उसके पीछे ज्यादा स्थायी और महत्वपूर्ण। एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तियों को रिप्लेस कर सकता,
ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मोदी जी का पराभव हो जाए तो आरएसएस खत्म हो जाएगा, या आडवाणी का पराभव हो जाने से आरएसएस खत्म हो गया। हिटलर और मुसोलिनी के खत्म हो जाने से उन देशों में फासिज्म के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अमेरिका में भी ट्रंप के पराभव के बाद फिर से उस तरह से उभरना फासिज्म के लिए बहुत मुश्किल होगा। पर हमारे देश में इसका कोई मतलब नहीं है। मोदी चले जाएंगे तो योगी आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा। एक आएगा हीरो जरूर, एक नेशनल हीरो की जरूरत तो रहेगी, लेकिन संघ कहीं से उधार लेके कभी अपने भीतर से किसी तरीके से वो नए नेशनल हीरो पैदा कर सकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भारतीय फासिज्म के अनुभव को मुझे लगता है यूनिक बनाती हैं, और इसको समझना बहुत जरूरी है अगर हम इससे किसी भी रूप में लड़ना चाहते हैं। इसके स्रोत क्या है? मैं जितना समझ पाता हूं, मुझे लगता है कि हमारे देश में जाति और वर्णाश्रम के रूप में जो संस्था मौजूद थी लंबे समय से, और एक विचारधारा के रूप में भी जो शुरू से मौजूद थी, उसकी बहुत सारी विशेषताएं संघ की राजनीति ने ग्रहण कर ली हैं, और हमारा जो हमारे देश का फासीवाद जो है वो उसकी विशेषताएं इस संस्था और इस विचारधारा की विशेषताओं में गहरा मेल है। क्योंकि जाति भी एक ऐसी चीज है जिसमें जितनी कठोरता होती है उतना ही लचीलापन होता है। एक हायरार्की है, एक ऊंच नीच की व्यवस्था है और बहुत कठोर है। जाति अदृश्य रूप से सब जगह मौजूद है। आज भी 98% लोगों के जीवन को जाति के कठोर नियम संचालित कर रहा है। का जीना मरना शादी ब्याह सब कुछ जाति के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन जातियों के स्टेटस में हेर फेर भी लगातार चलता रहता है। ये पूरे इतिहास में आप इस चीज को देखें। पुरानी जातियों का वर्चस्व खत्म हो जाता है, नई जातियां आ जाती हैं। जो ताकतवर होता है वो वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर उसको अपनी एक जगह बनाने का मौका मिल जाता है। तो ये सब चलता रहता है, और उन जातियों की कठोरता के बावजूद इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को उसके दायरे के बाहर भी जाने की इजाजत हमेशा रही है। ये सामाजिक संस्था के रूप में वो बहुत कठोरता से काम करती रहती है, लेकिन मान लीजिए उसमें कोई रैदास पैदा हो गया, कोई कबीर पैदा हो गया, कोई अंबेडकर आ गया, तो उसको भी अकोमोडेट करने की क्षमता, उस तरह का एक लचीलापन है व्यक्तियों के स्तर पे भी, समूहों के स्तर पे। बाहर से लोग आते हैं, आक्रांता समूह भी आते हैं, उनको भी इसी जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं शामिल कर लिया जाता है। तो कठोरता और लचीलेपन का ये जो संगम है वो इस व्यवस्था की भी बहुत बड़ी चीज है। और इसमें एक तरह का मतलब सामाजिक फासीवाद जैसे शब्द का अगर मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो एक तरह का सामाजिक फासीवाद अंतर्निहित होता। और ये सामाजिक फासीवाद भी विश्रृंखलित विकेंद्रित है। ऊपर जो व्यक्ति बैठा है जाति के की हायरार्की में, और जो व्यक्ति नीचे बैठा है, सबके पास वो सोशल फासिज्म किसी न किसी रूप में उपलब्ध है।
वो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि सभी स्तर पे ऊंची और नीची जातियां मौजूद हैं। ऐसी कोई जाति नहीं कहते हैं जिसके नीचे हिंदुस्तान में कोई और जाति न हो, और हर जाति जो कहीं भी है वो अपने से निम्नतर जातियों की तुलना में अपने को गौरवान्वित महसूस करती है, और अगर किन्हीं जातियों की तुलना में अपने को निम्नतर भी महसूस करती है तो उसके प्रति एक संस्कार, एक स्वीकार भावना भी मौजूद होती है। और यह बात मैं जाति विरोधी आंदोलनों के इतिहास को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि वो चुनौती देते हैं समय समय पर, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसमें वो संस्कार भावना मौजूद रहती है। यहां पे बात उस समेटने के लिहाज से मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सावरकर ने हिंदुत्व के जो थीसिस बनाई थी और जो आज भी हिंदुत्व का दर्शन है मूल रूप से बुनियादी, सावरकर की थीसिस और सावरकर की रणनीति, रणनीति यानी हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदूज, और दर्शन यानी कि जो हिंदुत्व की विचारधारा, वो इसमें इस बात पे जोर देते हैं कि हिंदू यानी भारतीय वही है जो भारतीय संस्कृति जिसके अंदर बसी हुई है। ठीक है, मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि की थीसिस हम सब जानते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन एक और जरूरी एलिमेंट है जिस पर कम थोड़ा ध्यान दिया गया, जिसको वो संस्कृति कहते हैं, कि भारतीय संस्कृति जिसने आत्मसात की हो वही भारतीय और हिंदू हो सकता, और वो भारतीय संस्कृति को प्रकारांतर से बहुत स्पष्ट शब्दों में ना भी कहें तो अनेक उदाहरणों के माध्यम से इतिहास की व्याख्या के रूप में वर्णाश्रम रक्षा के रूप में पिन पॉइंट करता हूं। तो बार बार कहते हैं कि जब बौद्धों के प्रभाव से हिंसा बढ़ गई, देश पर संकट आ गया, तो वर्णाश्रम रक्षकों ने देश का निर्माण किया, उनकी रक्षा, और भारतीय संस्कृति के स्रोत के रूप में वो गीता को, महाभारत को, रामायण को कहते हैं, और सारे उदाहरणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इन महाकाव्यों के संस्कार को वो भारतीय संस्कृति के रूप में डिफाइन करते हैं, और इन महाकाव्यों के संस्कार की जो मूल बात है, जो मूल संस्कार वो ये है कि ये सब वर्णाश्रम की रक्षा का घोषित उद्देश्य लेकर चलते हैं। और ये वर्णाश्रम इसका पूंजीवाद के साथ भी गहरा संबंध बन जाता, इसमें इस बात की पूरी गुंजाइश रहती है कि आप कुछ व्यक्तियों को उसके पार जाने और शक्तिशाली बनने का अवसर दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, लेकिन जो समाज का पूरा ढांचा है वो वर्णाश्रम पे टिका होना चाहिए, जिससे कि जो सस्ते श्रम की आपूर्ति है वो अर्थव्यवस्था को मिलती रहे, और संस्कारिक सत्ता, संस्कारों से मिलने वाली जो सत्ता है वो प्रभु वर्गों को उपलब्ध है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय फासीवाद को जो चीज यूनिक बनाती है वो ये है, और इसलिए इसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में मुझे लगता है कि वायलेंस जो अनेक स्तरों पे है जाति के द्वारा, जेंडर के खिलाफ, मतलब जेंडर स्ट्रक्चर में जो वायलेंस है, जो
कास्ट स्ट्रक्चर में जो वायलेंस है, वायलेंस एक मूल्य के रूप में, एक संस्कार के रूप में अंतर्निहित हमारे समाज में, मलच्छों के खिलाफ नफरत और हिंसा ये सावरकर गुणाढ्य की रचनाओं से कोट करता। तो ये मलच्छ कौन है? ये कोई बहुत नई नहीं है अवधारणा। तो मलच्छों के खिलाफ जो नफरत है और जो हिंसा सैंक्शनड है, जो हमारे संस्कारों में बहुत लंबे समय से मौजूद, उन सब का इस्तेमाल ये अपने फासिस्ट प्रोजेक्ट में कर पा रहा और उसको सैंक्शन मिलता है धर्म के हमारे जीवन, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में धर्म का जो प्रभुत्व है, धर्म की भूमिका को जो चुनौती नहीं दी गई उसके कारण। तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ अगर हमें काम करना है तो अनेक मोर्चों पे करना होगा। ये एक राजनीतिक संघर्ष तो होगा ही, लेकिन केवल राजनीतिक संघर्ष, केवल वर्गीय संघर्ष बिल्कुल ना काफी होगा। उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक संघर्ष, संस्कृति के स्तर पे जितने तरह के बदलावों को ये घटित करने की कोशिश करें, उन सबको चुनौती देना, उसको चुनौती देते हुए ये ध्यान में रखना कि हमें एक राष्ट्रीय विकल्प लेकर चलना होगा। राष्ट्रीय विकल्प को छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि राष्ट्र राज्य की जो अपील है और राष्ट्र राज्य की जो सच्चाई है, उससे जो वैधता मिलती है राष्ट्रवादी प्रकल्प को, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती जब तक हम एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित हैं। पर उसमें यह संभावना है कि अगर हम एक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के विचार को न्याय के राजनीतिक सामाजिक संघर्षों के साथ, समानता और इंसाफ के राजनीतिक सामाजिक संघर्षों के साथ अगर हम जोड़ के चलें, तो वो सांप्रदायिक किस्म के राष्ट्रवाद को चुनौती दे सकते हैं। आप हिंदू राष्ट्रवाद को के सामने भारतीय राष्ट्रवाद को खड़ा कर सकता हूं, उसके उसको छोड़कर। बहुत से लोग, बहुत से मित्र हमारे ये महसूस करते लगते हैं कि भाई राष्ट्रवाद ही सारी बीमारी की जड़ है, इसलिए राष्ट्रवाद के खिलाफ ही संघर्ष करने की जरूरत है। एक तरह के मानवतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी या कम्युनिस्ट किस्म के अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टि को विकसित करने की, उसका प्रचार करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें इसकी कमजोरी ये है कि राष्ट्र राज्य की जो वास्तविक सच्चाई है उसको ये इग्नोर करती है। ये बात एजाज अहमद ने भी उस निबंध में कही है कि भारत जैसे जटिल विविधताओं से भरे हुए देश में, अनेक तरह के विरोधों से भरे हुए देश में, कौन सी चीज है जो इतने विविध प्रकार की पीड़ाओं को संगठित कर सकती है? तो उसका हल, उसका कोई उत्तर राष्ट्र के सिवा कहीं और से मिलता नहीं है। तो एक नई तरह की राष्ट्रीय संस्कृति जो न्याय की मांग पर टिकी हो और जो सांस्कृतिक बदलाव किए जा रहे हैं उनको कदम कदम पर चुनौती देती हो, जो लड़ाई माइक्रो लेवल पे मैक्रो लेवल पे एक साथ लड़ी जा सके, उस तरह की चीज की एक जरूरत। तो नई राष्ट्रीय परिकल्पना जो
एक नए तरह के जनवादी नेशनल पॉपुलर की बात गामसी ने भी की है। वो उस बात पर जोर देते हैं कि बिना उस तरह के जनवादी नेशनल पॉपुलर के निर्माण के फासीवाद को नहीं हरा सकता, क्योंकि फासीवाद बेसिकली एक तरह का हताश राष्ट्रवाद। तो आपको उसका एक विकल्प, एक लोकप्रिय सांस्कृतिक विकल्प, लेकिन लोकप्रियतावादी नहीं हो वो, अपनी लोकप्रियता के लिए भावना का और इस तरह की भावनात्मक पहचानों का सहारा लेने की बजाय वो न्याय का सहारा ले, न्याय की मांग का सहारा ले, और इसलिए वो वर्गीय राजनीतिक लड़ाई मूलतः वर्गीय हो। आज हम देख रहे हैं कि एक मॉडल अरविंद केजरीवाल सामने रखते हैं, वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई राष्ट्र को हमें नंबर एक बनाना है। नंबर एक कैसे बनाना है? तो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, सबके लिए सेहत की व्यवस्था करनी है, लेकिन वो न्याय की बात नहीं करते। सबके लिए शिक्षा और सेहत की व्यवस्था कैसे होगी? क्या केवल इसी व्यवस्था के भीतर सरकारी आय के जरिए सबके लिए शिक्षा और सेहत की व्यवस्था की जा सकती है? अगर की जा सकती होती तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को इस तरह के पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, या एक सॉफ्ट हिंदुइज्म की जरूरत नहीं पड़ती जिसका उनको सहारा लेना पड़ता। अगर वास्तव में वो शिक्षा और सेहत का विस्तार कर पाते तो इसकी उनको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि शिक्षा और सेहत में अगर आप देखें दिल्ली के भीतर तो कोई बहुत बुनियादी बदलाव हो गया। वैसे ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में जाता हूँ देखता हूँ बजट बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया हो गया, कुछ नए स्कूल भी बने, लेकिन सरकारी स्कूलों का ढांचा तो पहले से मौजूद था, भारी संख्या में सरकारी स्कूल गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो उसमें कोई बहुत क्रांतिकारी पढ़ने पढ़ाने की पद्धति में कोई क्रांतिकारी बदलाव आ गया हो, उसकी जगह हैप्पीनेस क्लासेस हो रही हैं, कुछ इंग्लिश ट्यूटोरियल्स हो रहे हैं, यानी वो एक नारा ज्यादा बन गया है, क्योंकि आप शिक्षा और स्वास्थ्य का यूनिवर्सल विस्तार और वितरण नहीं कर सकते हैं जब तक आप न्याय के सवाल को नहीं हल करते, पुनर्वितरण के सवाल को नहीं हल कर सकते जब तक न्याय के सवाल को हल नहीं कर। तो इसलिए फिर आपको अल्टीमेटली जाके उसी तरह के लोकप्रियतावाद में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो हालांकि फिर भी वो काफी रेसिस्ट कर पा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर हमें एक दीर्घकालिक लड़ाई लड़नी है तो ये सारे मोर्चे एक नई राष्ट्रीय परिकल्पना, धर्म को, धर्म का जो वर्चस्व है जिसको गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है, उसको चुनौती देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप जाति को चुनौती नहीं दे सकते। ये बात आम्बेडकर ने जाति का उन्मूलन वाले निबंध में अच्छी तरह समझाई थी कि जाति का जो सैंक्शन है वो धर्म से मिलता है, और धर्म की जो पकड़ है लोगों के दिमाग पे उसको जब तक चुनौती नहीं दी जाती है तब तक आप जाति के संस्कार का उन्मूलन नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि हम धर्म के वर्चस्व को एक तरह की सेकुलर सोच और पॉलिटी से रिप्लेस करने की एक्टिव लड़ाई लड़ें। जरूरी नहीं है कि आप एक अभियान चलाएं और धर्मों की और देवी देवताओं की निंदा शुरू कर दें, लेकिन सेकुलर जीवन में, शिक्षा में, शहर हमारे नदियों घाटों जंगलों पहाड़ों में, सामाजिक जीवन में, हर जगह जो धर्म की मौजूदगी है और जिस तरह से उसको तो बहुत सामान्य भी मान लिया गया है, उसको हर कदम पे चैलेंज करने की जरूरत। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं सोचता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में आप सबसे लगातार बातचीत करके भी, और बहुत
सुसंगत तो सुसंगठित रूप से मैं इसको न तो कर पाया हूँ थियोराइज ना आपके सामने रख पाया हूँ, लेकिन ये कुछ बातें जो जहन में आती हैं उनको आपके साथ शेयर किया। मुझे लगता है मुझे चुप हो जाना चाहिए, समय भी काफी हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अहम मसले जो जर्नल फासीवाद की प्रवृत्तियों के बारे में भी, और कैसे हिंदुस्तान का फासीवाद बाकी दुनिया में जो फासीवाद के अनुभव रहे हैं उनसे किस तरह से अलग है, उस पर भी काफी महत्वपूर्ण रोशनी आशुतोष जी ने आज अपने वक्तव्य में रखी कि कैसे जो अतीत के फासीवादी जो भी प्रयोग दुनिया में हुए वो एक व्यक्ति केंद्रित थे और उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटे, और जैसे ही वो व्यक्ति खत्म होते हैं या इतिहास के पटल से बेदखल कर दिए जाते हैं वैसे ही वो ताकत भरभरा के गिर जाती है एक तरह से उस समय। लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो फासीवाद का प्रयोग है वो अपने आप में अनूठा है, और इसी दौरान उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर हम मौजूदा राजनीतिक सत्ता में जो फासीवादी ताकतें आज पहुंची हुई है अगर उनको राजनीतिक तौर पर बेदखल भी कर दें तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने फासीवाद को परास्त कर दिया। तात्कालिक तौर पर ये राहत तो जरूर होगी, क्योंकि राहत तो इतने से भी मिल रही है कि बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार गिर गई और नए महागठबंधन की सरकार बन गई, तो हम लोग को आजकल हालत ये है कि इतने पे भी खुश होते हैं हो लेते हैं। तो वो एक बात तो बड़ी होगी, लेकिन इसी कैसे वो पदस्थ होंगे लंबे दौर में, कैसे आरएसएस का विचार, आरएसएस का जो हिंदुत्व का विचार है वो कैसे परास्त होगा, शायद इसी के जवाब में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और इस बारे में मैं, हमारे बीच में साथी रवि हैं, मैं चाहूंगा कि वो एक अपनी एक आरंभिक टिप्पणी अगर उसमें करें तो बहस और चर्चा को आगे बढ़ाने में सुविधा रहेगी। और हमारे बीच में बजरंग जी भी हैं, नूर जी हैं, संजीव जी हैं, तो उसके बाद हम चाहेंगे कि वो साथी भी अपनी टिप्पणी और अपने सवाल इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए जरूर रखें। साथी रवि, धन्यवाद प्रदीप, और बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से बात रखने के लिए, बहुत सारे पक्षों को कवर करते हुए। और आपको धन्यवाद इसके लिए भी कि आप यहाँ आए, यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार किया और इतना अच्छा वक्तव्य दिया। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जस्ट दो तीन बिंदु मैं रखूंगा और आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, और जोर इस बात पर है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें तो शुरू करनी पड़ती हैं। आपसे बहुत सहमति है जो आपने कहा है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन दो तीन उलझने मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे बातचीत और लोग भी रखेंगे ही, बातचीत आगे बढ़े। जो फासीवाद का मतलब, एक मुझे लगता है कि व्याख्या और वर्णन दो स्तरों पर बात होती है और करनी ही पड़ती है। इतने इतने जटिल विषयों को कोई नेचुरल साइंस के ढंग से कॉम्प्रिहेंसिव थियरी तो बनती नहीं है, तो जहां तक व्याख्या हो पाती है वहां तक व्याख्या करनी पड़ती है और उसके आगे वर्णन का सहारा लेना ही पड़ता है। हकीकत को जानने के लिए वर्णन का सहारा लेना ही पड़ता है दोनों ही स्तरों पर। पहले व्याख्या के स्तर पर अगर ये बात मान ली जाए, एक बड़ी व्याख्या, बड़े स्तर की व्याख्या, कि फासीवाद का उदय तब होता है जब जो आपने कहा, जैसे जो लिबरल वेलफेयर, जो पहले का जो क्लासिकीय शास्त्रीय बुर्जुआ वर्ग का के शासन का जो तरीका रहा है, जो लिबरल वेलफेयर
स्टेट का मिला जुला रूप, लिबरलिज्म और वेलफेयरिज्म का मिला जुला रूप, अब जब वो फेल होता है, जब वो संकट में फंसता है, तो फासीवाद का उदय होता है, या जो प्रभु वर्ग हैं वो फासीवाद का सहारा लेते हैं। एक बड़े पैमाने पर सहमति होते हुए प्रश्न ये उठता है कि फिर इसमें व्याख्या का जो बोझ डाला जा रहा है इस तर्क में, वो व्यवस्था पर, व्यवस्था जो वर्ग की व्यवस्था है या पूंजीवादी व्यवस्था है, उसके आंतरिक संकट पर इसका बोझ डाला जा रहा है। बोझ डाला जा रहा है, समझ रहे हैं ना, मैं तो थोड़ा ट्रांसलेशन करके बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेटरी बर्डन है वो इस पे डाला जा रहा है। इससे नतीजा ये निकलेगा कि पूंजीवादी संकट की वजह से अगर पूंजीवादी प्रभु वर्ग व्यवस्था चला नहीं पा रहा है, तो एक वो आपातकालीन या संकट वाली या एक अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करता है। तो इसमें हमारी तरफ से, हम जो वामपंथ के प्रगतिशील ताकतें हों, जनता का समर्थन मिले चाहे न मिले हमको, लेकिन हम जनता की ताकतें जो हैं, फिर भी कहेंगे कि जो जनता की ताकतें हैं, वो इसको कैसे देखें? क्या ये कहें कि फासीवाद से को की अंतिम लड़ाई पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के बिना फासीवाद को खत्म करने की लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी नहीं जा सकती? यानी हमें ये लगता है इस तर्क में कि फिर एक्सप्लेनेटरी बर्डन जो है वो क्लास स्ट्रगल पे आता है, रिवोल्यूशन पे आता है, सिस्टम चेंज पे आता है। तो क्या व्यवस्था का संकट ऐसा है, या हमारे विश्लेषण की तर्क पद्धति से ये तर्क निकलता है कि इसमें अब बुर्जुआ वर्ग के किसी हिस्से की भूमिका नहीं बनेगी फासीवाद को हराने में? फासीवाद को हराना, बड़े पैमाने पर फासीवाद को हराना, चुनावों में हार जीत को छोड़ भी दें, या आपने सही कहा और मैं एग्री करता हूं कि इस ये लोग हार भी जाएं अगर अगले चुनाव में या उसके अगले चुनाव में, तो फासीवाद का संकट या इस प्रकार का संकट जो भारत झेल रहा है वो खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर लंबे समय की लड़ाई में बुर्जुआ वर्ग की, लिबरल्स की, वेलफेयर स्टेट की, बाद में आपने दूसरे प्रसंग में कहा न्याय की लड़ाई की, इसी व्यवस्था के अंदर न्याय की लड़ाई की कोई भूमिका नहीं बनती, तब तो मुझे थोड़ी एक तरह से मेरी चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि तब तो केवल वामपंथी फासीवाद को हरा सकता है, केवल वर्ग संघर्ष ही हरा सकता है, पूंजीवाद को हटाना ही जो है एकमात्र रास्ता बचेगा फासीवाद को हराने के लिए। और हुआ ये है भारत में विशेष तौर पर, लेकिन दुनिया भर के पैमाने पर, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अप्रासंगिक होते गए हैं, डे टू डे की, लंबे दौर में सबसे प्रासंगिक हम भले ही हों, लेकिन डे टू डे की राजनीति में हम अप्रासंगिक हो गए हैं। तो अगर एक्सप्लेनेटरी बर्डन इस पर डाला जाता है कि व्यवस्था का संकट है और व्यवस्था अपने संकट से निपटने के लिए फासीवाद का रास्ता अपना रही है, तो उससे जो रणनीति निकलती दिखाई पड़ती है वो समस्याग्रस्त लगती है, क्योंकि उसमें इस बात की व्याख्या नहीं है कि वेलफेयर स्टेट और लिबरलिज्म संकट में फंसा क्यों, और अगर संकट में फंस गया तो क्या हम वामपंथी अपने दम पर फासीवाद को हरा सकते हैं, एक उलझन ये बनती है। दूसरी व्याख्या वाले प्रसंग में ही दूसरी उलझन बनती है नेशन और नेशनलिज्म वाले सवाल को लेकर। मैं आपसे एग्री करता हूं कि नेशन का कॉन्सेप्ट, और जैसे कुछ मार्क्सवादी सिद्धांतकारों ने ही कहा है, एक कल्पित राजनैतिक समुदाय के रूप में नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे छुटकारा नहीं है राजनीति को, और राजनीति को छुटकारा नहीं है तो हम वामपंथियों को भी उससे छुटकारा नहीं है, तो नेशन को मान के चलना पड़ेगा। लेकिन बातचीत आगे बढ़ाने के मैं ये उलझन आपके सामने रखना चाहूंगा कि नेशन को जैसे इन्होंने हिंदू राष्ट्र का रूप दिया है, जो जिस प्रकार की कल्पना की है नेशन की, जिस प्रकार का कल्पित समुदाय, जो हिंदू राष्ट्रीय कल्पित समुदाय है इनका, वो उसकी पैठ इतनी अनइवन क्यों है? भारत में अगर लिया जाए तो उसकी पैठ अनइवन क्यों है?
मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूं ताकि इससे ये देखा जाए कि इसमें कितना शासक वर्ग की और व्यवस्था की भूमिका बनती है और कितना सामाजिक संरचना की, जनमानस की बनावट की भूमिका इसमें कितनी बनती है। इन दोनों बातों को अलग करने के लिए कि हिंदी प्रदेश में और हिंदी प्रदेश के अलावा पश्चिमी भारत का गुजरात महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है, इसमें जितनी स्वाभाविक पैठ है हिंदू राष्ट्र के आइडिया की और हिंदू राष्ट्र की आइडिया को नेशनलिज्म का आइडिया के समरूप कर देने का जो प्रयास इनका सफल हुआ है, वो उसकी पैठ इतनी इन क्षेत्रों में जितनी है दक्षिण में नहीं है, केरल में और तमिलनाडु में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। कर्नाटक में कुछ हद तक है, लेकिन कर्नाटक को किसी महाराष्ट्र या किसी गुजरात के बराबर नहीं ठहराया जा सकता, वहां फिर भी स्थिति इनकी काफी डामाडोल है। दूसरे रूप में बंगाल में इनकी सारी कोशिशों के बावजूद उस रूप में नहीं गया है। उड़ीसा में किसी और ने ही बागडोर संभाली हुई है और वो बहुत बीच बीच की स्थिति है, उसको ना आप इधर डाल सकते हैं ना उधर डाल सकते हैं। तो जो अगर आप अगर हम एक्सप्लेनेटरी बर्डन फिर अगर नेशन पे डालते हैं कि फासीवाद के उदय का कारण ये है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र को राष्ट्रवाद को अपनाया है और उसको हिंदू राष्ट्र साबित कर दिया है, और जैसा बाद में आप कह रहे थे कि उस हिंदू राष्ट्र को भारतीय राष्ट्र से कन्फ्रंट करने की जरूरत है, तो ये भारतीय राष्ट्र कहाँ से आता है और हिंदू राष्ट्र का अनइवननेस क्यों है और भारतीय राष्ट्र का अनइवननेस क्यों है। और मैं चैट बॉक्स में देख रहा था नूर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि हम भारतीय राष्ट्र हो चाहे हिंदू राष्ट्र हो, इस प्रश्न को पूरे सबकॉन्टिनेंट के पिछले 150 साल के इतिहास से अलग करके कैसे हम राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो कल्पित राजनीतिक समुदाय के रूप में राष्ट्र की बात की जाती है, हमारे यहाँ वो कल्पना राष्ट्र की कल्पना धर्म आधारित कल्पना से कैसे जुड़ गई। टू नेशन थियरी का आना, विभाजन का होना, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच का के अंतर का इतना महत्वपूर्ण हो जाना, क्या कुछ राजनीतिकों की पार्टियों की या कम्युनल फोर्सेस की गलतियां या साजिश मात्र से ऐसा हो गया। कल ही मैं रोमिला थापर का इंटरव्यू सुन रहा था जो करण थापर ने लिया है अभी एक दो दिन पहले, और मतलब थोड़े में पॉपुलर ढंग से उनको बात रखनी थी तो मैं समझता हूँ वो क्यों ऐसा कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जेम्स मिल ने इतिहास लिखा 1817 में और उसमें उन्होंने कह दिया कि यहाँ दो राष्ट्र रहते हैं उसमें। तो इस वाली व्याख्या में, इसमें सच्चाई होते हुए व्याख्या में दिक्कत ये होती है कि कोई इतिहास की कोई किताब लिख देगा, कोई शासक वर्ग कोई बात चला देगा और वो बात इतनी आसानी से जड़ पकड़ लेगी कि सारे सबकॉन्टिनेंट ह्यूमैनिटी के 20% की दिशा तय कर दे, वो समाज और राजनीति की दिशा तय कर दे कोई किताब या कोई उपनिवेशवादी साजिश या किसी कांग्रेस के लीडर की गलती। ये व्याख्या कुछ पचती नहीं है। कोई ना कोई चीज हमारे यहाँ गहरे रूप में मौजूद रही है जिसकी वजह से जब भी पूरे उपमहाद्वीप के लिए नेशन की कल्पना करने की कोशिशें शुरू हुई तो स्वाभाविक रूप से वो कल्पना धर्म से जुड़ती गई और धर्म के आधार पर जो विभाजन था हमारी सामाजिक संरचना में मौजूद था, उसने एक तरह से प्रभावित किया कि हम राष्ट्र की कल्पना कैसे करें और उसका कोई निदान हम आज तक नहीं निकाल पाए हैं। तो दूसरी जो व्याख्या जो आपकी, पहली व्याख्या सिस्टम पर आधारित थी, दूसरी व्याख्या नेशन पे आधारित थी, और नेशन पे उलझन ये बनती है कि हम जो भी भारत का या उपमहाद्वीप का, पूरे उपमहाद्वीप का जो समाज है उसमें कहां चूक हुई या क्या रास्ता बनता है नेशन का हमारे कह देने से कि हम भारतीय राष्ट्रवाद से हिंदू राष्ट्रवाद का सामना करेंगे। उससे तो यही बात निकलेगी ना कि सामना करने में कुछ गलतियां हुई, भारतीय राष्ट्रवाद को स्थापित नहीं किया जा सका इसलिए ये हावी हो गए। लेकिन मुझे क्या ये व्याख्या मानी जा सकती है? क्या हम लोग मतलब गांधी और नेहरू और उन सारे अंबेडकर सारे लोगों को मिलाकर जो लोग राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे नेशन स्टेट के रूप में, उससे ज्यादा बड़े किसी कल्पना की बात कर रहे हैं या उससे बड़ी बड़ी किसी क्षमता की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर हम
भारतीय राष्ट्रवाद पैदा करेंगे जो हिंदू राष्ट्रवाद का सामना कर लेगा। और अंत में मैं थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया, माफ कीजिएगा, तीसरा जो वर्णन के स्तर पर है, जो आपने आखिर में कहा कि ये वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है उस पर वर्णन, उसको मैं वर्णन वाले कक्ष में रखूंगा। और फिर भी आप, मुझे लगता है, माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, बातचीत करने के लिए कभी कभी पोलेमिकल जैसा साउंड करना पड़ता है, मेरा इरादा नहीं है पोलेमिकल होने का, आपकी बात से ऐसा लगता है कि जो वर्णन किया आपने हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था के होने का, वर्णाश्रम के होने का, अंत में व्याख्या का बोझ आपने सारा उस पर डाल दिया कि ये चूंकि जातिवादी समाज है या वर्णाश्रमी समाज है, तो जैसे अगर व्यवस्था कल्प्रिट था तो कम्युनिस्टों को जीतना चाहिए था और कम्युनिस्ट हारते, हम लोग हारते गए हैं, और हम लोग इस बात का श्रेय तो नहीं ले सकते ना कि चलो हम जीत नहीं पाए, जीतने का श्रेय ना ले पाए, तो कम से कम अपने आंदोलनों के जरिए हमने बुर्जुआजी के लिए संकट पैदा कर लिया, संकट पैदा करने का श्रेय ले लें। हम दोनों तरफ से तो नहीं कर सकते ना कि हमने संकट भी पैदा कर दिया और हमारे संकट पैदा करने की वजह से फांसीवाद आ गया, ये तो लेने के देने हो गए कि हमारी अपनी, अगर हम अपने इतना श्रेय लें कि हमारे आंदोलनों से बुर्जुआ वर्ग का संकट पैदा हुआ और संकट पैदा होने से फांसीवाद आ गया, तब तो हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे थे। हम थोड़ा रेटोरिकली सवाल रख रहे हैं, तो जैसे अपने हार पर हमें सोचना है, वैसे क्या सामाजिक आंदोलनों की हार पे नहीं सोचना होगा? क्या ये कह देने से कि अंबेडकर ने बहुत अच्छी व्याख्या की, अंबेडकर के आंदोलन की, वामपंथियों के आंदोलन की जैसी हार हुई है, उससे भी बड़ी हार मैं मानता हूं दलित आंदोलन की, अंबेडकर के आंदोलन की, वर्णाश्रम विरोधी सामाजिक आंदोलन की हुई है, चूंकि ये फैशन में है कि कम्युनिस्टों की हार की चर्चा सभी करते हैं और सभी, कोई बच्चा भी ये उंगली उठा सकता है कि देखो ये इतने जड़ सूत्रवादी हैं कि वर्ग वर्ग किए रहते हैं और वर्ग से कुछ लड़ाई इनकी आगे बढ़ी नहीं, लेकिन जैसा हम हारे वैसा ही तो जात व्यवस्था के विरुद्ध का आंदोलन हारा। आज दलित का भाजपा में शरीक होना उतना ही संभव है जितना किसी भी जाति का संभव भाजपा में शरीक होना। आज दंगों में दलित की भागीदारी उतनी ही संभव है जितना किसी भी जाति के दंगाई की भागीदारी संभव है। तो ये कह देने से कि जाति का उन्मूलन ऐसे होगा, और मैं तो मानता हूं कि अंबेडकर ने जाति के उन्मूलन की भारी समस्या पर उंगली रखने की बजाय उन्होंने समस्या को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा तब तक जाति ही नहीं खत्म होगी, निर्णय तो उन्होंने ये सुनाया, और जो उनके 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 राजनीतिक आचरण में भी आया कि जाते जाते उन्होंने कहा कि मतलब हम दूसरे धर्म में मरेंगे, पैदा चाहे जिस धर्म में हुए हों हम दूसरे धर्म में मरेंगे। तो जो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म को खत्म करना होगा, ये तो ठीक रणनीति मुझे नहीं दिखाई पड़ती। तो हम किस बात के लिए कहते हैं, मैं थोड़ा प्रोवोकेटिव भी रह रहा हूं, किस बात के लिए कहते हैं कि अंबेडकर ने रास्ता दिखा दिया, आंदोलन के रूप में दलित आंदोलन को हम देख रहे हैं उतना ही हारा है जितना वामपंथी आंदोलन हारा है। तो आंदोलन के स्तर पर ये, और बौद्धिक स्तर पर ये कि जहां विश्लेषण पहुंचा कि हिंदू धर्म के अंदर जाति से मुक्ति संभव नहीं है, तो हिंदू धर्म का खात्मा और धर्म का खात्मा किसी भी दूसरी चीज के खात्मे से बड़ी चीज होती है। दुनिया भर के पैमाने पर आप देख सकते हैं धर्म के खात्मे का नारा नहीं लगाया जा सकता। धर्म को राजनीति से अलग करने का नारा लगाया जा सकता है, लेकिन धर्म को खत्म करने का नारा नहीं लगाया जा सकता। और अंबेडकर जिसकी हम सभी इतनी इज्जत करते हैं और एक 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 एपिकल लीडर मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सैद्धांतिक कमी तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो सोल्यूशन वो दे रहे हैं वो सोल्यूशन समस्या को घटा नहीं रहा है, बढ़ा रहा है उसमें। तो तीसरा ये है कि वर्णन के स्तर पर आप आंदोलनों का और इस वर्णन का कि भारत एक वर्णाश्रमी व्यवस्था है और आरएसएस की ताकत इससे आती है क्योंकि वो इसके साथ रेजोनेट करता है भारत की सामाजिक व्यवस्था के कारण, इस वाली ये बाल वाली बात बहुत मुझे पसंद है। मैं छोटे मोटे स्तर पर मैं भी खुद ये बात करता रहता हूँ कि आरएसएस की रणनीति भारत के दिमाग से कम हिंदू दिमाग से बहुत मेल खाती है, इसीलिए उनके लिए राजनीति करना हमारी तुलना में और लिबरल बुर्जुआ की तुलना में भी आसान है। तो ये कुछ बिंदु है। मैं आखिर में अंडरलाइन में ये कर दूं, ज्यादा मैं आपकी राय ये जानना चाहता हूं कि क्या वामपंथियों को
फासीवाद को हराने के लिए लिबरल बुर्जुआ और वेलफेयर स्टेट की, जिसको आपने कहा कि वो फेल हो गए, फिर भी वही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कोई हमारी साझेदारी बनती है पहले चरण में फासीवाद को हराने के लिए, और बाद में क्रांति का सवाल आएगा और बाद में पूरी व्यवस्था को उलटने का सवाल आएगा। तो माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा समय ले लिया, लेकिन और मैं बाकियों से भी, मैं औरों से भी माफी मांगता हूँ, आप लोग जितनी देर बैठने को तैयार हो बैठा जा सकता है, लेकिन ये कुछ उलझने हैं जिस पर बातचीत, जिस भी ऑर्डर में आप करना चाहें, प्रदीप करना चाहें, वैसे शुरू किया जाए। आशुतोष जी, जी ये तो स्वाभाविक ही है कि ये विषय इतना लंबा चौड़ा इतिहास व्यापी है कि उसमें विस्तार से सवाल भी उठेंगे, बात भी करनी होगी। मुझे लगता है कि मैं, मेरी या तो समझ में या मेरे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता था, मानता हूँ, और मैंने अपने नोट में भी शायद पहले शेयर किया था कि ये फासीवाद पूंजीवाद के संकट की बुनियादी रूप से उपज है, और इसलिए पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष इसका समाधान है। ये जो एक वामपंथी समझ है, एक तरह की वामपंथी समझ, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं जब कहने की कोशिश कर रहा था कि एक तरह के राष्ट्रीय संकट को जब परंपरागत प्रवर्ग हल करने की स्थिति में नहीं होता है, और जब ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद का जो मॉडल काम कर रहा है वो मॉडल संकट में पड़ा हुआ है, उस समय अल्टरनेटिव राष्ट्रवाद के रूप में फासिस्ट पार्टियां उभरती हैं और परंपरागत प्रभुवर्ग, जिसके सामने ये ऑप्शन होता है कि या तो वो उस संकट के कारण उस व्यवस्था को जो लोग चुनौती दे रहे हैं, यानी समाजवादी हों, कम्युनिस्ट हों या सामाजिक जनवादी हों, उनके साथ जाए, उनके सामने समर्पण करें, या फासिस्टों के सामने करें, तो वो फासिस्टों के सामने समर्पण करने का रास्ता ही चुनते हैं हमेशा, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि ये लोग जो हमारे सामने असली संकट है, जो लोग हमें वास्तविक चुनौती दे रहे हैं, उनको कुचलने की क्षमता रखते हैं, और ये सोचते हैं कि हम इनको मैनेज कर लेंगे, फासिस्टों को, यानी विद्रोहियों के खिलाफ इनको इस्तेमाल करके हम फासिस्टों को बाद में मैनेज कर लेंगे। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो एक अलग बात है। जो उदाहरण सामने है उसमें देखा जाता है कि जब फासिस्ट ताकत में आ जाते हैं तो वो उस पुराने प्रभुवर्ग, परंपरागत प्रभुवर्ग, इस पूंजीवाद से हमें नहीं जोड़ना चाहिए कि खाली वो पूंजीपतियों के तहत में काम करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास है उसको वो खत्म करने की कोशिश करते, जो एक तरह का कुलीन वर्ग है उस समाज का, उस देश का, उसको खत्म करने की या उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो मोदी के भी की भाषा में भी इसके इशारे मिलते रहते हैं, जब वो कहते हैं कि भाई ये जो खान मार्केट गैंग है, वो खान मार्केट गैंग मेरा विरोध कर रहा है, वो खान मार्केट गैंग को हमें खत्म करना, तो वो पूंजीवाद को नहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि खास तरह का जो कुलीन तबका है उसके खिलाफ में खड़ा। तो ये संकट जो कुलीन वर्ग महसूस करता है, अब यहां भी आप कह सकते हैं कि मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई वो कुलीन वर्ग ही फासिस्टों का समर्थन करता है, जबकि वो उन्हीं को खत्म करने की बात कर रहा हूं। तो ये एक, इसको थोड़ा सरल तरीके से यूं समझ सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि फासिस्ट जब आता है सत्ता में तो वो कुलीन
पुराने परंपरागत कुलीन वर्ग को समर्पण करने के लिए मजबूर करता हुआ आता, इस पोस्चर में आता, और वो उनको उनके समर्पण के आधार पर सत्ता पे काबिज होता है। जनता को वो ही दिखाता है कि देखो मैंने इस एलीट क्लास को अपरूट कर दिया, खत्म कर दिया, या मैं इसको खत्म कर रहा हूं, इस लड़ाई में आपका साथ जरूरी है। ये बात अलग है कि ये बहुत कुछ केवल एक कहना चाहिए कि एक नजरबंदी होती है, ये दिखाया जाता है, एक तमाशा होता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो कुलीन वर्ग का उन्मूलन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने को सत्ता में स्थापित करने के बाद उनसे नए तरह के संशय कायम आसानी से कर लेते हैं, या उनमें चुनाव कर लेते हैं। कुछ पूंजीपति आशी पर डाल दिए जाते हैं, कुछ को विशेष सुविधा दी जाती है, अलग अलग रूप में उस कुलीन वर्ग के अलग अलग सदस्यों के साथ एक नए तरह के संशय बना लिए जाते हैं। उस संकट की जो बात थी दरअसल, वो केवल पूंजीवाद के संकट की बात नहीं थी, वो बात थी इस कुलीन वर्ग को मिलने वाली अनेक तरह की चुनौतियों की, जिसका वो सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम में जो उत्पीड़ित लोग हैं उनको बेहतरी की उम्मीद मिलनी खत्म हो गई है। जब तक वो उनको बेहतरी की उम्मीद दिला सकते हैं कि नहीं आपका जीवन ठीक हो जाए, अगर हम भारत के उदाहरण से देखें तो उसकी बार बार कोशिश की गई, कभी गरीबी हटाओ का आंदोलन चला, कभी ये कहा गया कि भाई ये जो नई उदारवादी अर्थव्यवस्था है वो सारे संकट को हल कर देगी। तो जब तक आप उम्मीद दिला सकते हैं तब तक आप उस संकट को मैनेज कर सकते हैं, और ये बात जो है वो इतनी स्थूल भी नहीं है कि कहां वो उम्मीद खत्म हो जाती है और कहां खत्म नहीं होती है, लेकिन वो संकट बढ़ रहा है इसको महसूस किया जा सकता है। और मैंने कहा था कि ये महसूस करना उभरती हुई चुनौतियों के रूप में सामने आती, वो चुनौतियां सामाजिक न्याय की हो सकती हैं, जेंडर जस्टिस की हो सकती है, और फासीवाद जब आता है तो वो बहुत सारी इस तरह की चुनौतियों को मटिया मेट करता हुआ आता। हमारे देश में फासीवाद आया तो पूंजीवाद के बढ़ती में उसने मदद ही पहुंचाई है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि अगर फासीवाद नहीं भी आया होता, मान लीजिए जिसको हम फासीवाद कह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार नहीं भी आई होती, तो भी आर्थिक जहां तक नीतियों का सवाल है वो कोई बहुत अलग हो जाती, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं। या मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो देखा जाए तो यूपीए 2 की जो आर्थिक नीतियां थी उसका एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। आगे बढ़ा हुआ कदम शायद वैसे भी उठाया जाता अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती। तो ये केवल इसको अर्थव्यवस्था की पूंजीवाद के संकट के रूप में नहीं देख रहा हूं, ये अनेक तरह के संकटों का मिला जुला रूप है जिसका एक हिस्सा वो भी है, और उसके उद्भव का नतीजा यह निकला है कि अब किसान और मजदूरों के जो अधिकार बड़ी मुश्किलों से हासिल किए गए थे, जैसे नया लेबर कोड प्रस्तावित किया जा रहा, जैसे मजदूरों को हासिल तमाम अधिकारों की छुट्टी की जा रही, उस लेबर कोड पे बहस नहीं हो रही है उस बड़े पैमाने पे जिस पैमाने पर होनी चाहिए। किसानों ने आंदोलन किया जब कृषि कानून लाए गए, तो जिस तरह से खेती का कारपोरेटाइजेशन किया कृषि कानूनों ने, वैसे ही लेबर कोड करने की कोशिश कर रहा है श्रम का और उद्योगों का। तो किसान चूंकि आंदोलन करने की स्थिति में थे,
आर्थिक सामाजिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, संगठन के लिहाज से भी उन्होंने रेसिस्ट किया। लेकिन मजदूरों की जो हालत हो गई है, जिसमें ज्यादातर मजदूर पहले ही से असंगठित क्षेत्र में है और बहुत ही प्रिकैरियस कंडीशन में है, कि वो कोई रेसिस्टेंस ऑफर करने की स्थिति में नहीं है। और उनके स्थिति में ना होने से जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो मजदूर ट्रेड यूनियंस हैं, जो वैसे भी असंगठित मजदूरों को अपने दायरे में शामिल नहीं करती हैं, वो भी इस स्थिति में नहीं दिखाई दे रही हैं कि कोई मजबूत चुनौती दें लेबर कोड लागू होने के पहले एक राष्ट्र। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे सवाल है अर्थव्यवस्था का, पूंजीवाद का। वहां भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस पीछे गई हैं, पीछे धकेल दी गई हैं। सामाजिक न्याय के मोर्चे पे वो पीछे धकेल दी गई हैं। जिस तरह की नफरत बिहार और उत्तर प्रदेश के सवर्णों की पाई जाती थी लालू मुलायम और मायावती के नाम पे, जिस नफरत का बहुत बड़ा योगदान था भाजपा की, भाजपा को उन राज्यों में स्थापित करने। तो अब उसको जो उसका जो जो स्थिति थी पहले, जो जो जिस तरह का भय वो महसूस कर रहे थे, जिस तरह का वो खतरा महसूस कर रहे थे, वो टल गया लगता। फिर जेंडर जस्टिस के आंदोलन उठ खड़े हुए थे, औरतें बाहर निकल रही थी, औरतें बराबरी की मांग कर रही थी, औरतें पूरे कल्चर को बदलने की मांग कर रही थी, औरतों का आंदोलन भी पीछे ढकेल दिया गया। सब कुछ राष्ट्र के सवाल के को उठा करके सारे प्रतिरोधी आंदोलनों को पीछे ढकेल दिया। तो अगर इसका कोई प्रतिरोध संभव है, विकसित होगा, तो इन तीनों तरह के, ये तीन तो मुख्य धाराएं हैं, और भी बहुत सारे प्रतिरोधी आंदोलन है। वो आदिवासियों के आंदोलन को भी इसमें जोड़ना चाहिए, बहुत तरह की मार्जिनलाइज्ड परंपराओं कम्युनिटीज के आंदोलन को उसको जोड़ना चाहिए, अल्पसंख्यकों के आंदोलनों को जोड़ना चाहिए, शिक्षा और छात्रों के आंदोलनों को जोड़ना चाहिए। तो ये सबको एक साथ एकजुट होना होगा, इनको एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी या केवल वर्ग संघर्ष पर आधारित कोई पार्टी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती है, क्योंकि ये जो फासिस्ट नेशनलिज्म है वो केवल अर्थव्यवस्था के संकट से नहीं पैदा हुआ, वो बहुत तरह की चुनौतियों को निपटाने के लिए आया है। उसके पास इमोशनल एक नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा हथियार है। तो उसके जो शिकार हैं, जो उसके द्वारा पीछे धकेले गए हैं, उन सभी लोगों को एक संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। अब उनका जो जनाधार है उसमें राष्ट्रवाद, इस हिंदू धार्मिक राष्ट्रवाद की पकड़ मजबूत हुई है, और उस जो वो जनाधार जो है प्रतिरोध में उसका बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा नहीं है। बहुत सारे दलित, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे आदिवासी, मैंने कहा अल्पसंख्यक भी, वो भी उस राष्ट्रवाद के तूफान में बह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस आशा को छोड़ दें कि अगर हम ये बात उनके बीच ले जा सकें कि भाई ये जो भावनात्मक किस्म का सांप्रदायिक संकीर्ण राष्ट्रवाद है, जो कि एक खास अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ केवल नफरत के आधार पर चल रहा है, उसमें अल्टीमेटली आपके साथ अन्याय हो रहा है, और आप बिना राष्ट्र के सवाल को छोड़े अपने लिए, उसी राष्ट्र से अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए एकजुट हो सकते। तो इस तरह का अगर कोई किसी यूनाइटेड फ्रंट का विचार बनता है, उस पर बात की जाती है, तो
तो वही फासीवाद के खिलाफ लड़ाई का एक आधार हो सकता है। केवल हम कहें कि हम मजदूरों का आंदोलन चलाएंगे या केवल हम भूमिहीन किसानों का आंदोलन चला करके भूमिहीन किसानों को और असंगठित मजदूरों को संगठित करके ही फासीवाद को हरा देंगे, यह संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शब्द पे जोर देने की जरूरत है कि एक राष्ट्रीय संकट है, उसके बहुत सारे रूप हैं और जो सब इसके द्वारा पीछे धकेले जा रहे हैं उनको राष्ट्रीयता के एक एक प्रगतिशील राष्ट्रीयता के आधार पे एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, नहीं तो कैसे जोड़ेंगे, किस आधार पे जोड़ेंगे? आप सामाजिक न्याय के, जाति उन्मूलन के, स्त्री उत्पीड़न के, आदिवासियों के मार्जिन के सवाल को, इन सारे सवालों को जोड़ने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है? वो हमारा जो मोर्चा बनेगा संयुक्त मोर्चा, उसका सैद्धांतिक आधार क्या होगा, इसके लिए वो बनेगा। जाहिर है कि हम कह सकते हैं कि भाई हम एक ऐसे राष्ट्र के लिए मोर्चा बना रहे हैं जिस राष्ट्र में हम सबके लिए न्याय सुनिश्चित कर सके, वो उस न्याय का चाहे जो भी रूप। तो इसलिए ये मैं नहीं कहना चाह रहा था कि ये केवल कैपिटलिज्म क्राइसिस से केवल कम्युनिस्ट पार्टी इसको हल कर सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी अकेले इसको हल नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी इसको अकेले हल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक मल्टीफेसेटेड सिचुएशन है। और इसलिए हल तो जब भी निकलेगा वो एक तरह के यूनाइटेड फ्रंट से ही निकलेगा। अब जो बात, दूसरी बात जो कही गई कि भाई इस महाद्वीप की जो राजनीति है, जो पार्टीशन की राजनीति है, जो नेशनलिज्म का जिस तरह से यहाँ विकास हुआ, इतिहास में धर्म क्यों जुड़ गया, तो ये निश्चित रूप से बहुत गहराई सोचने की बात। मैंने जितना इस पे सोच विचार किया है, मुझे लगता है कि धर्म को एक तरह की गोलबंदी का आधार बनाना ये दो कारणों से संभव हुआ होगा। एक तो जिसको हम कहते हैं औपनिवेशिक फूट डालो राज करो की नीति, हालांकि वो भी कंटेस्टेड बात है कि वो कितनी एक्टिवली थी कितनी नहीं थी, लेकिन ये बहुत सहज बात भी है कि भाई कोई भी जो शासक होगा वो तो यही चाहेगा कि भाई लोग आपस में जरा लड़ते रहें तो अच्छा ही रहता। तो उस तरह की लड़ाइयों को उन्होंने अनेक तरह से इनकरेज किया होगा, ये बहुत असंभव सी बात नहीं है इस बात में। पर बात यह है कि जब सीमित मात्रा में ही लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता, वोट का सवाल आ जाता है कि वोट चाहिए जीतने के लिए, तो वोट किस आधार पर पाया जा सकता? तो आज ही नहीं, उस जमाने में भी धर्म एक आसान आधार बन गया था। ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के पास गांधी जी थे, नेहरू जी थे, और क्रांतिकारी आंदोलन थे, भगत सिंह का एक प्रभाव था, अंबेडकर थे, जो इस बात को लेकर बहुत सजग थे कि हमें जिस राष्ट्र का निर्माण करना है उसके लिए सांप्रदायिक टकरावों को खत्म करना बहुत जरूरी है, वो पहली शर्त, उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब चुनाव हुए, चुनाव लड़े गए प्रांतों में जगह जगह, तो वहां धर्म का जमकर इस्तेमाल किया गया, सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल किया गया वोटर को इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो कितनी सीमित मात्रा में हो, धर्म का इस्तेमाल किया गया। तो ये जरूर जायंट जो प्रेजेंस थी गांधी की, नेहरू की और लोगों की, भगत सिंह की, अंबेडकर की, उसने ये जरूर सुनिश्चित किया कि सेकुलर नेशनलिज्म का भी एक प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, और इतना ताकतवर हुआ कि हिंदू राष्ट्रवाद को उभरने में इतने साल लग गए, लेकिन वो सांप्रदायिक धर्म का, सांप्रदायिकता धर्म का इस्तेमाल तो चल ही रहा था। पार्टीशन का जो लम्हा है 1947 में, वो 1940 से लेकर के वो चार पांच सालों का
जो कम्युनल पोलराइजेशन है उसके अपने ऐतिहासिक कारण है। वैसे भी सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि जो 46 का साल था जब मजदूर आंदोलनों की और सिपाहियों के आंदोलनों की बाढ़ आई हुई थी और नेवी में रिवोल्ट हुआ था और लाल किले पे मुकदमे चल रहे थे, तो उस समय तो हिंदू मुसलमान जनता सड़कों पे आ रही थी मजदूरों के समर्थन में। 46 में आ रही थी, 47 में आपस में एक दूसरे का गला काटने लगे। ऐसा कैसे हो गया? लाल किले से आई आवाज, और क्या था वो उसमें शाहनवाज का नाम आता है, उसमें तीनों संयोग से नाम आते हैं, मुझे नारा भी स्कूल आपको याद होगा। तो वहां तो हिंदू मुसलमान सिख जनता एक होके सड़कों पर प्रदर्शन करती है मजदूरों के पक्ष में और नौसैनिकों के विद्रोह। पर जब समझौता होता है पार्टीशन का, तो उसमें सबसे विचित्र बात यह होती है कि वो समझौता कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और माउंटबेटन, इसके चंद नेता मिलकर आपस में कर लेता हूं, उसमें जनता की राय ली नहीं जाती है। देश के बंटवारे के पहले कोई भी जनमत संग्रह नहीं किया जाता, सीमित मताधिकार के आधार पर भी कोई जनमत संग्रह अगर किया जाता तो मुझे लगता है कि लोग पार्टीशन के खिलाफ वोट देते, हिंदू मुसलमान सभी बहुत संख्या में। पर वो प्रक्रिया ऐसी चलाई गई कि उससे जनता को बाहर ही कर दिया गया। जिन्ना से बात कर ली, नेहरू से बात कर ली, माउंटबेटन ने, उसकी बड़ी दिलचस्प कहानियां है किस तरह से उनको राजी किया गया। और जिन्ना ने क्या पॉलिटिक्स की, कैसे वो राजी नहीं थे, फिर क्यों राजी हुए, नेहरू क्यों राजी हो गए, ऐसा लगता है जैसे कि चंद लोगों के दायरे के भीतर वो किस्मत तय कर दी। अगर वो 5 साल के लिए, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि अगर 2 साल के लिए टाल दिया जाता उस समझौते को, शायद पार्टीशन नहीं होता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये नहीं मानता कि जो हमारी आजादी की लड़ाई थी उसकी ये अनिवार्य परिणति थी कि वो धार्मिक राष्ट्रवाद के रूप में ही फलीभूत होती और इसलिए देश का विभाजन ही होता। धार्मिक राष्ट्रवाद भी चल रहा था एक धारा के रूप में, पर सेकुलर नस्लिज्म एक ज्यादा वर्चस्व की स्थिति में था। वो हार गया एक क्रूशियल मोमेंट पे, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अविश्वास जो जिन्ना के मन में, जिन्ना और गांधी के बीच का जो अविश्वास था, अगर आप पर्सनैलिटीज के आधार पे ही कहें देखें उसको, तो मैं तो समझता हूं कि दरअसल वो भी एक, आप जिन्ना के उन सारे वक्तव्यों को याद करें जिसमें वो कांग्रेस को ब्राह्मण पार्टी कहता है और ये कहते हैं कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ये हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करने वाले, इनके वादों पे भरोसा नहीं किया सकता। तो ये संदेह दूर नहीं किया जा सका, और कांग्रेस के नेताओं के मन में जो संदेह था कि अगर हमने कन्फेडरेशन बनाया और मजबूत केंद्र नहीं बनाया तो जहां मुसलमान बहुत संख्या में होंगे वो अलग ही हो जाएंगे आज नहीं तो कल, तो कल अगर अलग होना है तो आज ही अलग हो जाने दो। ये जो हमारे नेता लोग थे उनके आपसी अविश्वास का कि उसमें एक बड़ी भूमिका थी। मुझे लगता है कि अगर जनता को काउंट में लिया गया होता, ये जनमत संग्रह की बात की गई होती, समझौते को टाला गया होता, तो उसकी दूसरी परिणतियां भी हो सकती थी। सेकुलर नेशनलिज्म अभी भी मौजूद है, अभी भी भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में वो फोर्सेस मौजूद हैं जो इस उपमहाद्वीप को एक सभ्यता, एक संस्कृति के रूप में देखती और महसूस करती हैं। और पार्टीशन को अंडन करने की बात भी सबसे पहले पाकिस्तान से ही उठी थी। लाल खान की किताब है कैन पार्टीशन बी अंडन। तो मुझे लगता है कि आज अगर हमारे देश में, खासतौर पर भारत में, हम एक इंक्लूसिव सेकुलर जनवादी राष्ट्रवाद का विकास कर पाते हैं, क्योंकि
भारत उपमहाद्वीप का बड़ा देश है, तो यह संभव है कि कम से कम अगर हम एक ना भी हों किसी जमाने में तो भी इन तीन देशों के बीच जो जो राजनीतिक शत्रुता है वो बहुत कम हो जाए, इसकी पूरी संभावना, यह संभव नहीं है। तो सेकुलर नेशनलिज्म एक हकीकत है, इसकी एक ट्रेडिशन है, इसका एक आधार है और उसको रिवाइव और रिक्लेम किया जा सकता है, उस पर तो मुझे ये कहना है। बाकी जो प्रश्न था कि भाई कम्युनिस्टों की विफलता से ये संकट पैदा हुआ और कम्युनिस्टी इसको हल करेंगे, तो ये तो जाहिर है कि मैं नहीं मानता हूं कि कम्युनिस्टी इसको हल करेंगे, ना मैं ये मानता हूं कि केवल कम्युनिस्टों की विफलता से ये पैदा हुआ, लेकिन ये बहुत तरह की विफलताओं का परिणाम है। कम्युनिस्ट क्यों विफल हुए? कम्युनिस्ट क्या इसलिए विफल हो गए कि उनकी आइडियोलॉजी के साथ कोई प्रॉब्लम थी या उनकी टैक्टिक्स के साथ कोई प्रॉब्लम थी? जिस तरह से भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास हुआ, जिस तरह से वो बटे, जिस तरह के संगठनों का, तो इसका तो हमें एक प्रैक्टिकल हिस्टोरिकल आंसर खोजना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई कम्युनिस्ट सैद्धांतिकी में ही कोई दिक्कत थी, कमजोरी थी, जिसकी वजह से उनका हश हुआ। ऐसी कोई अंतिम सैद्धांतिकी भी नहीं है, ये तो एक विकसित होने वाला प्रैक्टिस है। तो उसमें कहाँ समस्याएं खड़ी हुई हैं, कहाँ हमने उनको कैसे हल किया, क्या क्या प्रयोग किए, बहुत तरह के प्रयोग हुए कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर, और वो कहाँ कहाँ फंस गए, इसकी एक अलग स्टडी हो सकती है। पर ये तो सही है, इतना तो हमें मानना चाहिए कि किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों, इन सब का जो एक एसर्शन था, इनकी जो हिस्सेदारी की मांग थी, और व्यवस्था के भीतर बुनियादी बदलाव की जो मांग थी, उसका कुछ ना कुछ संबंध इस बात से होगा कि उनकी उम्मीदें जो पुरानी व्यवस्था से रही होंगी वो खत्म हो चली होंगी, और ये दूसरी पार्टियां भी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। जाति, सामाजिक न्याय का आंदोलन जो जाति की पहचान लेके चला था, वो जाति के स्ट्रक्चर के भीतर उसकी सीमाएं भी नहीं थी, वो जाति उन्मूलन का आंदोलन नहीं था, उसने जाति का उन्मूलन नहीं किया बल्कि कुछ जातियों के वर्चस्व को स्थापित कर दिया, और उन कुछ जातियों से नाराज जो जातियां थी वो फिर बीजेपी के पास चली। तो वो एक प्रैक्टिकल हिस्ट्री है जिसको हमें एनालाइज करना होगा, हम सैद्धांतिकी के आधार पे उन विफलताओं की व्याख्या नहीं कर सकते। आंबेडकर का जो मैंने सवाल उठाया था, तो मैंने ये कहा था कि आंबेडकर धर्म के, आंबेडकर ये नहीं कहते हैं जाति के उन्मूलन में कि हिंदू धर्म जब तक खत्म नहीं होगा, वो इस बात की मांग नहीं करते हैं कि जाति को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म को खत्म करो, वो ये मांग करते हैं कि धर्म का जो वैचारिक वर्चस्व है, जो शास्त्रों के जरिए और शास्त्रों के व्याख्याकारों के जरिए कायम किया गया, उस वैचारिक वर्चस्व को चुनौती देने की जरूरत है। वो मानते हैं धर्म खत्म नहीं होगा, और वो की कोशिश भी करते हैं कि भाई अगर ये लोग हमारी बात सुन लें और जाति के उन्मूलन के लिए सहमत हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, और वो कहते हैं कि इसके आड़े आम जनता के दिमाग पे जो धर्म का असर है वो आता है, क्योंकि वो सेकुलर सोच के लिए फिर स्पेस नहीं बनती। तो धर्म शास्त्रों और धर्म के वर्चस्व को चुनौती देने की जरूरत है, ताकि जाति के संस्कार को चुनौती दे, जाति का वो संस्कार धर्म के द्वारा पोषित है। वैसे हिंदू धर्म की कल्पना कर सकते थे जो जाति समूह, और उन्होंने कोशिश भी की
जब उन्होंने देख लिया कि ये नहीं होगा तो फिर वो बौद्ध धर्म की तरफ गए। लेकिन धर्म की जरूरत मनुष्य को है, ये तो वो हमेशा उनके उन, 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 उनके दिमाग में ये बात थी कि धर्म धर्म के विरुद्ध तो उन्होंने विद्रोह नहीं किया कभी। हिंदू धर्म को भी वो एक एक, एक पहेलियों के समुच्चय के रूप में देखते हैं, रिडल्स के रूप में देखते हैं, इसमें भाई बड़ी मानवतावादी उदारवादी बातें भी हैं, दर्शन भी है और जाति व्यवस्था भी है। तो जाति व्यवस्था को ये खत्म कर दें तो ठीक है, हम उन उदारवादी बातों के साथ हिंदू धर्म के साथ भी जी सकते हैं। लेकिन जाति खत्म नहीं होती है क्योंकि जाति के पीछे पावर इक्वेशंस हैं और उनको स्वीकृति दिलाने के लिए लोगों के दिमाग पे धर्म का वर्चस्व। तो पावर इक्वेशन को तो पॉलिटिकल स्ट्रगल से बदल सकते हैं लेकिन लोगों के दिमाग को बदलने के लिए धर्म के वर्चस्व को चुनौती देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आम्बेडकर इस मामले में, मैं तो अपने को उनसे सहमत पाता हूँ क्योंकि तो और किस तरीके से आप लड़ेंगे जाति से, ये भी सच नहीं निकला कि पूंजीवादी परिवर्तन होंगे तो जाति खत्म हो जाएगी। जाति तो खत्म नहीं, शहरों में भी फैक्ट्रियों में भी, क्योंकि वो संस्कार जो हैं और ओवरऑल जो पूरी हमारी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो जाति व्यवस्था रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है वो व्यवस्था नहीं बदली है। क्योंकि वो बेसिकली ये करती है कि वो सस्ते श्रम की सप्लाई सुनिश्चित करती है। हमारे गटर को साफ करने के लिए, उसमें डूब के मरने के लिए कहां से लोग आएंगे जाति व्यवस्था नहीं होती। जाति व्यवस्था ही सुनिश्चित करती है कि गटर में लोग डूब के मरते रहते हैं और फिर भी आते रहते हैं काम करने के लिए। इस तरह के बहुत से काम है, बहुत सारी चीजें हैं। भारत में श्रम सस्ता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था, इसलिए वो पूंजीवाद के लिए आकर्षण की जगह बनी हुई। तो वो दिमागी स्तर पे जो जकड़न है संस्कारों की, उसको हिलाने के लिए धर्म का जो असर दिमाग पे है, यानी धर्म धार्मिक कर्मकांड का, धार्मिकता और अध्यात्म को तो वो स्वीकार करते हैं अंबेडकर, लेकिन धार्मिक कर्मकांड धार्मिक शास्त्रों का जो वर्चस्व है उसको हिलाने की जरूरत है। जब वो हिलेगा, जब उस पर सवाल उठेंगे तब आप आगे की बात कर सकते। तो हिंदू धर्म को खत्म करने जैसी कोई बात मेरे ख्याल से उन्होंने सजेस्ट नहीं की है। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। शुक्रिया आशुतोष जी। बजरंग जी भी हैं हमारे बीच में, हम चाहेंगे कि अगर वो भी कुछ सवाल और टिप्पणी रखें तो। आप म्यूट हैं बजरंग जी, अनम्यूट कर लीजिए। अभी भी म्यूट है। हाँ अब ठीक है, अनम्यूट हो गया। हाँ अब अनम्यूट हुआ। अब इतना लंबा समय भी हो गया और इतना मतलब सघन और समझ लीजिए दुरुस्त ये चर्चा रही, ये उसमें कुछ विस्तार से कहने टिप्पणी करने की नहीं है। मैं सिर्फ एक एक कार्यकर्ता की तरह से एक कहें कि अपनी एक उलझन रखता हूँ। मेरी उलझन यह है कि अपने इलाके में और दूसरे इलाकों में जब मैं घूमता हूँ और ये कहता हूँ कि देखिए फासिज्म का खतरा बढ़ रहा है, तो वो जो जिस जनता से मैं संवाद करता हूँ वो कोई उस फासिज्म से कनेक्ट नहीं कर पाती।
कोई भी मतलब इसमें मान लीजिए 50 लोग हैं या ये जब डलेगा YouTube पर तो 500 लोग हो जाएंगे, इससे आगे YouTube फैलाएगा ही नहीं। तो हम मान लीजिए 500 लोग जानते हैं कि ये फासिस्ट रजीम है, लेकिन जनता नहीं जानती। हमारा काम तो जनता से है, बिना उसको बदले हुए मतलब बिना उस तक पहुंचे हुए, बिना उसको कन्विंस किए हुए हम कुछ कर नहीं सकेंगे। और जनता इस फासिज्म वाली पदावली से ना तो कनेक्ट कर पाई है, ना कर पा रही है और ना कर पाएगी। हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह से यूनिट्स नहीं है। पहले तो कॉलेजेस में हुआ करते थे वामपंथी संगठन, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे कॉलेज में हुआ करते थे, गायब है। और अब लगता नहीं है कि वो वापस फिलहाल इस रूप में उस रूप में आ पाएंगे। तो जब हम ये बता नहीं सकते कि मुसोलिनी कौन था, इटली में 1919 के मार्च महीने में उसने कैसे इसको मतलब क्या उसको उसका नाम था जो संगठन शुरू किया फासिस्ट वाला, और उसकी प्रेरणा उसने अपने ही देश के एक द्वीप सिसली के जो हमलावर थे उदारवादियों पर जो हमले करते थे उनसे ली थी। फासियो नाम का कोई संगठन था, मतलब जो जो उस तरह के मतलब हमलावर लोग हुआ करते थे, तो वहां से वो हम नहीं बता सकते। तो ये कनेक्ट करने वाली समस्या रहेगी, और तब तक जनमानस को इस जिसको आशुतोष जी भारतीय फासीवाद कह रहे हैं, ये हम लोगों के बीच का मामला बनकर रह जाएगा। हम इसके विरुद्ध लोगों को खड़ा नहीं कर सकते। मतलब चीजों को, अवधारणाओं को, वस्तुओं को सही नाम देना आधी समस्या का हल होता है, और यहाँ तो समस्या और बढ़ाई जा रही है कि पहले आप वर्कशॉप चलाइए पूरे देश में, बताइए कि फासिज्म क्या होता है, तब लोग उसके खतरे समझेंगे। अरे भाई, जब आपके सामने हिंदुत्व है, और हिंदुत्व से भी एक दिक्कत तो होती है कि बहुत सारे हिंदू वो मतलब उसको मतलब ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो इसलिए मान लीजिए उपन्यासकारों ने एक जमाने में काली टोपी वाले कहा, फिर काली टोपी उन्होंने लगाना बंद कर दिया, फिर खाकी पैंट कहने वाले कहने लगे। जनता तो इसी तरह देखती है ना, इसी तरह से नाम देती है, काली टोपी या खाकी पैंट, वो भी बंद कर दिया। लेकिन लेकिन आरएसएस या संघ, ये तो नाम नहीं बदला जाएगा। मुझको लगता है पहली चीज जो होनी चाहिए संवाद के लिए, जनता के से संवाद के लिए, वो नाम देने की। भारतीय फासीवाद वो नहीं, मुसोलिनी का बड़ा प्रिय वाक्य था कि फासीवाद का निर्यात नहीं हो सकता कोई चाहे। हालांकि ब्रिटेन में भी एक गुट बना और फ्रांस में भी बना जिन्होंने अपने नाम के साथ फासीवाद लगाया, लेकिन भारत में उससे पहले 1919 में संगठन बनता है, उससे पहले उसकी मतलब मजबूत परंपरा बन चुकी है। 25 में बना ना ये संगठन, लेकिन 25 से पहले तो बन चुकी है ना उसकी विचारधारा। फासीवाद की कोई सुसंगत विचारधारा नहीं है, वो बनते बनते बनी है। यहाँ पर तो सुसंगत विचारधारा है। तो अवधारणा को, वस्तु को सही नाम से पुकारना, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी चीज होगी। और वो ऐसा नाम हो जिसको हम इस जनता से के साथ संवाद कर रहे हैं, संवाद करना चाह रहे हैं, उसके उससे हम मतलब कर पाए, उसको हम मतलब उस पर ला पाए, उसके साथ कनेक्ट हो पाए, उस अवधारणा को दे पाए। तो मैं तो इसी बात पर अभी फिलहाल और कुछ कह नहीं रहा हूँ। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पर या कहें कि गांधी पर या मार्क्स पर, वर्गीय सवाल पर, वो सब नहीं है। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ और ये मंच साहित्य चर्चा के लिए है नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हम मतलब नाम दे सकेंगे कोई इस समस्या से लड़ने के लिए, जो बड़ी जटिल है, बहुत कहें कि लंबी है, सुदीर्घ उसके ऐतिहासिक जड़ें हैं, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फासीवाद के नाम से पहले मैं उपभोक्तावाद किया करता था कि यह बहुत बड़ी समस्या है 90 और 2000 के बीच में, कोई नहीं कनेक्ट कर पाता था, नहीं समझ पाया, और मैं भी नहीं मतलब जो कुछ कहा लिखा पढ़ा सब व्यर्थ गया भोक्ता के वाद के नाम पर। भोक्तावाद क्या होता है, मतलब जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ वो वहां तक बात जा ही नहीं, वही हाथ फासीवाद के साथ भी है। तो मैं फिलहाल इस शब्द से ही मुझे दिक्कत है, वो भारतीय लगा देने से, वो मतलब
इटली का की वो परिस्थिति हमारे यहाँ आएगी नहीं, और दुनिया के जितने भी तानाशाह हुए हैं वो कोई फासीवाद उन्होंने अपने लिए चुना नहीं, तो हम क्यों अपने यहाँ के तानाशाही करने वालों के लिए नाम दें। वो मतलब उनको उनके कुकर्मों का श्रेय भी नहीं मिल रहा है, श्रेय तो कोई और ले जा रहा है, वो तो इटली का एक तानाशाह ले जा रहा है, तो कम से कम श्रेय तो दें इनको उनके नाम से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं ऐसा है बजरंग जी कि मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम जाके जनता के बीच भारतीय फासीवाद को लेकर एक वर्कशॉप करें, उनको समझाएं कि भारतीय फासीवाद का एक संकट है उनको लड़ना। इस तरह से फासीवाद के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने ये कहा था कि हमें दो स्तर पे, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे काम करने की जरूरत है। माइक्रो लेवल पे हमें उनके न्याय के सवालों को उठाना चाहिए। हर गली मोहल्ले में न्याय के सवाल हैं, गांव गांव में न्याय के सवाल हैं कि भाई बच्चों को स्कूल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, स्कूलों के लिए महंगी फीस देनी पड़ रही है कि नहीं देनी पड़ रही है, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बुनियादी सवाल हैं जो हमें, जो इंसाफ के सवाल हैं, जो जीवन के उनके जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हुए सवाल, चाहे कितना भी राष्ट्रवाद हो जाए, कितना भी मोदी की जय जयकार हो जाए, लेकिन अगर लोकल लेवल पे कोई इन सवालों को उठाता है और बहस नहीं करता उससे मोदी के बारे में या राष्ट्रवाद के बारे में, और कहता है कि भाई सरकारी स्कूल चलना चाहिए, तो क्या लोग उसके साथ नहीं खड़े होंगे? अगर वो कहता है कि भाई हमारे गांव में अस्पताल होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, क्या लोग नहीं खड़े होंगे? तो आप उसके साथ राष्ट्र, इसलिए मैंने कहा राष्ट्रवाद और फासीवाद पे और हिंदूवाद पे भी बहस करने की जरूरत नहीं है माइक्रो। तो इस बात की तो जरूरत है कि हम लोगों के बुनियादी सवालों को उठाएं और भले हस्ताक्षर अभियान चलाएं, कोई आंदोलन खड़ा करें, लोगों से कहें कि भाई राष्ट्र जो है मजबूत तभी होगा जब आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो माइक्रो लेवल के संघर्ष होंगे उसके साथ साथ मैंने कहा कि एक बड़ी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, वो मैक्रो लेवल पे होगी, जिसमें आप धर्म पे बहस कर सकते हैं, जाति पे बहस कर सकते हैं, जेंडर इक्वेशन पे बहस कर सकते हैं। उन सारी बहसों को जो अब खत्म कर दी गई हैं, उनको फिर से उठाने की और उनको जोड़ने की एक दूसरे से जरूरत। फांसीवाद पे जाके प्रचार करके जनता के बीच हम कुछ नहीं हासिल कर पाए, ये तो हमारे अपने समझने की चीज है कि हम कैसे समझते हैं इस परिस्थिति को। नहीं समझ पाएंगे। दोनों जगहों की परिस्थितियां भिन्न है, दोनों जगहों का की जनता भिन्न है। फांसीवाद से भारत के संकट को नहीं समझा जा सकता, मैं इतना ही कह रहा हूँ। आप भारतीय फांसीवाद कहें, उत्तर प्रदेश का फांसीवाद कहें, प्रयाग का फांसीवाद कहें, उससे बात बनेगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये मतलब कोरिया वाले तो फांसीवाद नहीं कह रहे हैं ना अपने यहाँ के तानाशाह के लिए, तो हम क्यों कहें? जब कोरिया वाले कहें, मान लीजिए और कोई देश अगर आगे बढ़कर कहे कि हमारे यहाँ उस तरह फांसीवाद है, तब तो कहें वो अपने लिए नाजीवाद, अपने लिए कुछ और दूसरे हैं। तो हम मतलब इस हिंदुत्व के विकरालता को, उसके खूंखार चेहरे को दूसरे को, मतलब मुझे नहीं लगता है कि हमारी चर्चा के लिए भी वो बात नहीं सही है। मुझे लगता है उसे मुक्त होना पड़ेगा और एक जो नरमी है हिंदुत्ववाद के प्रति उसको छोड़नी पड़ेगी। वो मतलब फांसीवाद कहने से फिर वो दिख जाती है, आप मतलब उनको श्रेय नहीं देते। मतलब मुझे लगता है कि मुझे और बात नहीं बढ़ानी है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वर्कशॉप कराने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कनेक्ट नहीं हो पाती वो जनता, नहीं हो पाती कनेक्ट। हमारे बीच में बहुत से लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो इटली का है कि जर्मनी का, इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं।
ठीक है, वो तो एक मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें, अगर हम भारतीय फासीवाद की बात करेंगे तो हम आरएसएस का नाम नहीं लेंगे या हिंदू राष्ट्रवाद का नाम नहीं लेंगे। बात यह है कि ये हमारे खुद के समझने की कैटेगरीज हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये कैटेगरीज किसी काम की नहीं है और ये मोदी की तानाशाही है केवल, और मोदी की तानाशाही के खिलाफ या संघ की तानाशाही के खिलाफ ही हमें प्रचार करना है, और संघ की तानाशाही, मोदी की तानाशाही और फासीवाद में कोई संबंध नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो एक अलग दृष्टि है। तो मैं उसको एक अलग दृष्टि के रूप में ही देख सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता, मेरी तो यही समझ है कि हमें समझना पड़ेगा इस फिनोमेनो को, ये केवल तानाशाही नहीं है, सिर्फ तानाशाही और सिर्फ एक तरह का रिप्रेसिव स्टेट का ही मामला नहीं है। मुझे लगता है कि सर फासीवाद भी तो नहीं है ना, ये फासीवाद भी तो नहीं है। अगर मान लीजिए तानाशाही नहीं है तो फासीवाद भी नहीं, वो नहीं है कि है या नहीं, इसी को लेकर तुम बात कर रहे हो ना बजरंग जी। इसलिए मुझे लगता है सही नाम देना चाहिए। बाकी तो बजरंग जी नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर, नाम से बात हम लोग पहले कंटेंट की कर रहे हैं ना। अगर नाम बदल देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, या नाम बदल देंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा, ये भी थोड़ा अति हो जाएगी ना। हमें ये समझना पड़ेगा, एक मिनट सुन लीजिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व्ड है। जो प्रक्रिया है उसमें नेशन स्टेट और वर्ग दोनों की राजनीति इन्वॉल्व्ड है, लोक मानस इन्वॉल्व्ड है और उसके जरिए धर्म का प्रभाव आता है, और राष्ट्र की अवधारणा इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में राष्ट्र की अवधारणा जो है वो एक अनअवॉइडेबल कैटेगरी है, किसी किसी को उससे मुक्ति नहीं है। तो अगर आप वर्ग, राष्ट्र और लोक मानस इन तीनों का रसायन बनाते हैं, और तब भी एक रसायन नहीं बनता, वो अलग अलग रूप में बनता है, किसमें कितनी मात्रा किस बात की पड़ी हुई है उस पर रसायन निर्भर करेगा, तो उस रसायन को हम नाम क्या देंगे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस रसायन शास्त्र को समझना। फासीवाद बहुत फासीवाद को सिर्फ इटली वाले थोड़े इस्तेमाल करते हैं। फासीवाद तो मैं यहाँ आज अमरीका में बैठा हुआ हूं और फासीवाद यहाँ खूब चल रहा है, फासीवाद का नाम ट्रंप को लेकर के, सांसद गले की हड्डी बना हुआ है वो पावर से निकल जाने के बाद भी। तो हम लोग नामों पर बहस क्यों करें, अगर कोई बेहतर नाम सुझा दे तो अच्छा होगा। किसी का इंसिस्टेंस नहीं है कि हम इटालियन ओरिजिन का नाम, और ये भी सही नहीं है कि कोरिया के राजनैतिक विमर्श में फासीवाद का नाम नहीं आता, ये भी सही नहीं है। अपने अपने ढंग से वो जापान में आया है, यहां तक कि चीन में आया है, तो ये नामों का बहस ना बनाया जाए और ये ना अपेक्षा पाली जाए कि उचित नाम रख देने से राजनैतिक समस्या हल हो जाएगी। पहले तो हमें अपने बीच में ये बहस करनी है, और ये बात भी ठीक नहीं है कि हम अपने बीच में बहस करें, रणनीति देखें कि रणनीति जो है मोटे तौर पर कि किसके साथ लेकर के बनती है और किसके विरुद्ध बनती है, ये रणनीति अगर तय करनी हो तो तत्काल इसको जनता से कनेक्ट करने को भी न जोड़ा जाए। जनता से कनेक्ट करने में उनको 50 साल लगे हैं, हमें भी 10-20 साल लग सकते हैं, या जो लिबरल बुर्जुआ पहले कनेक्ट करते थे आज नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, और राहुल को पप्पू कहा जाता है सारे लोग, दक्षिण पंथ वाले तो कहते ही हैं, वामपंथ वाले भी कहते हैं, तो उन उन लिबरल बुर्जुआ को भी कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो तत्काल अपने समझने से पहले जनता को कनेक्ट कर देने का, किसी बहस में, किसी सभा कक्ष में, किसी लेख में अगर ये शर्त लाद दी जाए कि हम ऐसा लेख लिखें, ऐसा नाम दें, ऐसा विमर्श करें जो जो दरवाजे से निकल करके सारी जनता से हम कनेक्ट कर देंगे, तो वो भी हम अपने ऊपर एक अनावश्यक बोझ लाद रहे हैं। जनता से कनेक्ट करना, उसके कई चरण होते हैं, कई लेयर्स होती हैं, धीरे धीरे
वो भी घुसे हैं और हमको और भी मुश्किल होगी धीरे धीरे लोकमानस में घुसने में। तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी आसानी से बहसें हल नहीं होंगी, इतनी आसानी से जनता से कनेक्ट कर लेने का रास्ता नहीं निकलेगा। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है और उसमें हम लोगों के बीच में जो भी रणनीतिक या सैद्धांतिक या व्यावहारिक किसी भी तरह का अगर विचारों का पूरा सामंजस्य नहीं है और बहस खड़ी होती है तो ये अच्छी चीज है। इसका निदान तत्काल जनता के पास जा करके भी नहीं होगा और नाम बदल देने से भी नहीं होगा। मैं तो आशुतोष जी से ये भी कहूंगा, इस पर भी वो विचार करें कि पार्टीशन के टाइम में जनता को साथ लिया गया होता तो पार्टीशन नहीं हुआ होता, इस पर मैं विचार करने के लिए आग्रह करूंगा उनसे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और जनता पर इतना भोला भाला विश्वास भी अच्छी बात नहीं है। वही मैंने पहले कहा कि हम जनता के लोग हैं लेकिन जनता हमारी बात नहीं मानती है, और अगर जनता की बात और सच में चुनना हो तो पहले हम किसको चुनेंगे। मैं ये मानता हूं कि पहले सच को चुनेंगे और उसके बाद जनता के को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जन सुलभ सच कोई सच नहीं होता, सच सच होता है और जनता कई बार उस सच को स्वीकार नहीं करती है। उस समय अगर तीन लोगों ने साजिश किया पार्टीशन करने के लिए तो 1 से 2 लाख लोगों को आपस में मारकाट मार देने की क्या जरूरत थी, और बंगाल और पंजाब में तो मारकाट चलिए मच गई क्योंकि लोग इधर से उधर भाग रहे थे और उसमें 2-4 घटनाएं हुई तो उससे वो कम्युनल पूरे मारकाट का रूप ले लिया। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर जो दोनों जगहों से 1000 मील दूर है, जहां कोई विभाजन नहीं हो रहा था, गढ़मुक्तेश्वर के मेले में 3 दिन के अंदर 3000 लोग क्यों मार दिए गए। तो इतना सोचना कि जनता के दिमाग में कोई पवित्र चीज थी और साजिश करके अंग्रेजों ने, गलती करके नेहरू ने और गलत सिद्धांत दे करके जिन्ना ने ये पैदा कर दिया, ये बहुत सरल समझदारी है। इससे कोई निदान नहीं निकलता। अगर इससे निदान निकलना होता तो आज भी हम पार्टीशन के साथ नहीं जी रहे होते, आज भी मोदी और विभाजन की और सांप्रदायिकता की राजनीति इतनी हावी नहीं होती। जब तक पाकिस्तान है तब तक हिंदुस्तान को पाकिस्तान से छुटकारा नहीं है, और जब तक जनता के दिमाग में हिंदू मुसलमान का बंटवारा बैठा हुआ है तब तक आप इस बात से रोक नहीं सकते कि कोई ना कोई उस बंटवारे का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उस समस्या से जूझना है और उस समस्या से जूझने के लिए जो रास्ता निकलता है वो हिंदुस्तान में टॉप सॉयल है। वो रास्ता निकलता है मॉडर्निटी का, रास्ता निकलता है मॉडर्न स्टेट का, रास्ता निकलता है बुर्जुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वल सिटीजनशिप का, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस का, जिन सारी चीजों को हम माखौल बताते रहे हैं हम वामपंथी, वहीं से पहला रास्ता निकलता है। और उसकी जड़ हिंदुस्तान में उतनी नहीं जमी है, संविधान की जड़, आधुनिकता की जड़, बराबरी की जड़, इक्वल सिटीजनशिप की जड़ हिंदुस्तान में उतना नहीं जमी है जितना हिंदू मुसलमान जमा है। जब तक हम इतने मोटे सवाल को नंगे रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान जनता के दिमाग में बसा हुआ है ये मानते हुए कि हम सदियों से साथ रहे हैं और हमेशा लड़ते नहीं रहे हैं, इसके बावजूद ये विभाजन बैठा हुआ है और जैसे ही कोई छोटी सी घटना होती है ये विभाजन अपना विकराल रूप लेकर के सामने आ जाता है। जब तक हम इस समस्या से नंगे रूप में रूबरू नहीं होंगे, नंगे रूप में माने कि साफ साफ रूबरू नहीं होंगे, और उसके लिए ये तय नहीं करेंगे कि किस तरह से जो टॉप सॉयल है मॉडर्निटी की उसको गहरा कैसे करें, किस रास्ते से चलें कि संविधान इसी जिस संविधान को अंततोगत्वा हमें हटाना भी हो 100 साल के बाद, वही संविधान आज लोक स्वीकार्य हो, उसी से बने हुए इंस्टीट्यूशंस आज जड़ जमाए हमारे समाज में। जब तक हम इतनी मोटी बात नहीं समझेंगे तब तक बात इतनी नहीं है कि नाम बदल देंगे या जनता को कैसे समझा देंगे। जनता को तो कबीरदास समझाते आए आज से 500 साल पहले से, और कबीरपंथियों का हाल देख लीजिए। भक्ति आंदोलन समझाता आया और भक्ति आंदोलन का हाल देख लीजिए। भक्ति आंदोलन जिसने कभी इस एक समय में क्रांतिकारी रोल प्ले किया होगा वही यथास्थितिवादी हो गया और हिंदुत्व को फायदा पहुंचाने वाला हो गया एक तरह से। कोई भी भक्ति आंदोलन का सूत्र लेकर के आप हिंदुत्व को चैलेंज देता हुआ कोई सेक्ट, कोई समुदाय, कोई साधु, कोई संत, कोई किताब दिखला दीजिए। तो हम अपने ख्याली पुलाव ना पकाएं कि इस वाले रास्ते से चले होते तो हिंदुत्व को हरा दिया गया होता। वो बड़ी बड़ी गहरी समस्या है। सारे रास्तों से चलने वाले लोग मौजूद थे और जड़ इनकी जमी। नेहरू
के बावजूद इनकी जड़ जमी और नेहरू से बड़ा कोई हिंदुत्व से लड़ने वाला नहीं पैदा हुआ, ना कम्युनिस्ट पैदा हुए ना कोई और पैदा हुआ। तो उन्हीं की विरासत की वजह से, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लिख दिया हो कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे अंबेडकर ने या उनके नेतृत्व में लिखा गया हो। नेहरू के बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती, नेहरू के बिना भारत की खोज नहीं की जा सकती, कोट अनकोट। वो इस समस्या से जूझ रहे थे कि कौन सी चीज भारत को इकट्ठा करती है और किस वजह से हम अपने आप को भारतीय, और खुलेआम वो कह रहे थे कि मैं तो अपने आप को बाहरी पाता हूँ, मैं बाहर से नजर डाल रहा हूँ भारत पर, लेकिन मैं किसी न किसी रूप में अपने आप को भारतीय भी पाता हूँ। भारतीयता क्या है, ये समस्या आज तक हल नहीं हुई है, और इसको हल करने वाले बड़े बड़े विद्वानों और थियोरिस्ट से अलग एक नेहरू जैसा आदमी था जो न थियोरिस्ट था न वैसा विद्वान था, लेकिन सबसे गहरी पड़ताल उन्होंने ये की कि भारतीयता क्या होती है, उसका जड़ जो है भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ये गहरे प्रश्न हम लोगों के बीच में इतने उलझे हुए हैं जिस पर हमको आपस में पहले बात करनी पड़ेगी। अगर शर्त लाद देंगे शास्त्रार्थ का कि सारी जनता को इकट्ठी कर लो और उसकी और जनता के सामने आपस में शास्त्रार्थ करो, जिस पर ताली बज जाए वो जीत गया, जिसको जन समर्थन हासिल हो गया वो जीत गया, ये रास्ता हम चुनेंगे तो कोई निदान नहीं निकलेगा। ये रास्ता तो हमारे यहाँ 3000 साल से चल रहा है। प्रदीप जी जी और भी कुछ साथ में? ये तो मुझे लगता है कि ऐसा विषय है और ये ऐसे गहरे मसले हैं जिसपे निरंतर बातचीत और संवाद की जरूरत है, क्योंकि यदि हमें दूरगामी तौर पर हिंदुत्व के इस प्रोजेक्ट से लड़ना है तो जैसे उन्होंने एक अपना तसव्वुर किया हिंदू मानस के दिमाग में, ना एक अखंड भारत उनका भी है, तो कहीं ना कहीं पूरे इस कॉन्टिनेंट के इतिहास की पड़ताल, पुनः पड़ताल की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें जो रवि भारतीयता का सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम भारत वैसे तो आधुनिक राष्ट्र राज्य तो हम अंग्रेजों के आने के बाद ही बने, अंग्रेजों का बड़ा रोल था जिसकी वजह से आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में हमारा जन्म होता है 1950 में, आजादी 47 में होती है, 1950 में संविधान के साथ हम एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 150-200 साल के अंग्रेज से पहले का अगर हजारों साल का इतिहास है इस कॉन्टिनेंट का, तो क्या क्या वो चीज थी, क्या वो बात है जो इस कॉन्टिनेंट को एक अलग पहचान देती है? मुझे लगता है कि भारतीयता का मसला वहां से उस पूरे इतिहास के दौर से जुड़ा हुआ है, कैसे वो बनी है, कैसे बदलती गई है और आधुनिक टाइम में वो कहां तक पहुंची है। तो हमारी भी अक्सर जो राष्ट्रीयता की बात होती है वो ज्यादातर अंग्रेजों के आने और उसके ही साथ शुरू होती है, खासकर वामपंथी हलकों में, और एक तरह से लगता यह है कि जैसे राइट विंग ने पूरे इतिहास पर कब्जा कर लिया। तो हम कह तो रहे कि वो इतिहास बदल रहे हैं, बात सही है कि वो इतिहास बदल रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं या उसमें से अपने फायदे का हिस्सा उठाते हैं जिससे उनकी उनको राजनीतिक फायदा हासिल हो सके, लेकिन क्या हमारी तरफ से वैसी कोई वृहद कोशिश है कि जो ये पड़ताल करे, हमारा आंदोलन ये पड़ताल करे कि अपने पूरे इतिहास को हम कैसे देखते हैं, हमारी अपनी पहचान कैसे बनती है, इस कॉन्टिनेंट की पहचान कैसे बनती है, और कैसे आज जो आधुनिक समय में जो सांप्रदायिकता मौजूद है और इस कॉन्टिनेंट में, उसका दूरगामी इलाज क्या है? वो विभाजन के बाद ज्यादा घेरी हुई है। अगर ये सवाल हम पूछें कि अगर विभाजन ना हुआ होता तो क्या सांप्रदायिक ताकतें आज इस रूप में मजबूत हैं, क्या वैसी ही होती? ये तो फिर वही है ना कि ये होता तो क्या होता, वो क्या होता? लेकिन यही है सवाल है। हाँ, सवाल मैं वही कह रहा हूँ कि ये
काफी मतलब ये सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में काफी बहस विचार की जरूरत है, और जिनसे एक हद तक मुझे ये भी लगता है कि शायद कोई भविष्य के रास्ते की रोशनी भी इनसे दिखाई दे, इन बहसों और चर्चाओं से दिखाई दे। तो आज की बहस के लिए आशुतोष जी आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि का बहुत शुक्रिया और बजरंग जी का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहस और अपनी जो बात रखी उससे बहस और चर्चा को एक अलग स्तर पे बहस और चर्चा की गुंजाइश बनी। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप सभी साथी इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत शुक्रिया।